आरती नहीं मिले करो करो पंखा बंद कर दो। हाँ बहुत बढ़िया। हेलो 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 रोज जैसा करो रोज जैसा नहीं। हेलो 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 सुनी बचुतनी लोग सन्न वैसनी अग्नि मृदा मौला में करो तो नमयोर्य दुष्मा सुदत्त आचमनी हम जलम समर्पयामि। नमः परमहंसा स्वत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय श्री राम चंद्र कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाधेयं जन्ममोक्षोः सुबुधपुरपदो प्राप्तये प्रसदस्य विश्राम स्थान वेगम कवि पर्वजसा जीवनम सज्जनानां बीजम धर्मत्रमस्ये प्रबोध भवतां ये राम नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे परमक्तिकम करतले भेड़ करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। बंसी विभूषित करा नवनीत दाभाद पीतांबरा धरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोयक जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूति हो धेयम सदा प्रभवग्रमविष्ट दूहम तृथास्पदम शिव विरंजितम शरण्यम भृत्यार्पिहम प्रणतपान भवाभ्युपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। एन धृता बसमती सलिले निमग्ना नगना च पांडव वधो स्थगिता दुकुलै संबोधितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रो दृग्गोचरो
भवतमेत्य सदीन बंधो निस्सीम करुणापूर्णा वात्सल्यैक महोदधि कांता श्री राघवेंद्र से सर्वदा पातु जानकी। अस्तस्तरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्रतम पस्त प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्माण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धिनी विविलसत गोपी सहस्रा प्रतम हस्तन्यस्तनताप वर्गम खिलो दारम किशोराकृति बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। परमाराध्य देव परमार्चनी वंदनी परमार्चनी वंदनी परप्रकृष्ण परब्रह्म परमात्मा शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय श्री भक्तमान छाकलपतरु तड़िद्विनुदुत पीताम्बरधारी भगवान श्री आनंद कंद शरण शरण लीला अवतार भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ का आज चौथा दिन है। चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय बेला को अतिशीघ्र भगवान की कीर्तन की गंगा के प्रवाह के साथ साथ आगे ले चलते। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ना एक अनुष्ठान है, नहीं समझे, एक दवाई है। दवाई अब दवाई में यदि स्वाद ही स्वाद खोजा जाए तो फिर वो दवा नहीं रह जाएगी, और यदि स्वाद नहीं है तो उसे औषधि माना जा सकता है। लेकिन एक ये ऐसा फल है, ऐसा रस है ना, कि जो औषधि का भी काम करता है। जैसे संतरा का रस, वो खाली रस नहीं, वो दवा भी है। मौसमी का रस, दूध, ये स्वाद में भी है, दवा में भी है। अब कोई कोई चीज है केवल स्वाद में है, दवा में नहीं है, जैसे चीनी। तो आइए इस कथा को औषधि और रस दोनों मान करके इसको अपने भीतर उतारेंगे। अब भैया औषधि कहीं कहीं औषधि वाला काम तो कर ही जाएगा। हमारे माधलाल दास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री ब्रजेश सिंह जी, जो कि एक बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं, प्रधानाचार्य तो एक बहुत गरिमा में पद है, उनकी आगे आगे बैठने की इच्छा है तो आगे बैठने दीजिए। यहां यहां ये शंभु जी के पास आ गया है, आ गया। तो भाई देखो एक बात मेरी सुनो, औषधि दवाई कितनी भी स्वादिष्ट हो लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि दवा है। उसको समय से खाने का ध्यान रखना चाहिए। ये भागवत में भले बहुत रस हो, बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन ये मत भूल जाइएगा कि औषधि है और औषधि की कुछ मर्यादा होती है। और मर्यादा यदि आप भूल गए तो औषधि फायदा नहीं करेगी। दो बार भगवान नाम उच्चारण। आज की कथा की यात्रा बड़ी लंबी है, कल की मेला में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा इस पांडाल में, या यूं कह लीजिए कि भगवान के 24 अवतारों में दूसरा पूर्णावतार होगा। 24 अवतारों में पहला पूर्णावतार 18वां अवतार हमारे भगवान श्री रामचंद्र का था, उसका भी अवतार भागवत में। राम के अवतार के बिना तो कोई पुराण है ही नहीं। 18 पुराणों में भगवान श्री राम की कथा के बिना,
18 पुराणों में भगवान श्री राम की कथा की बिना कोई पूर्णता ही नहीं है। श्री राम के चरित्र को अगर पुराणों से निकाल दिया जाए, किसी कथा से निकाल दिया जाए, तो वैसा ही बड़ी महंगी गाड़ी हो जाएगा जैसे चारों चक्का खोल लिया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसमें सीट में लोग बैठे रह जाए, गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो आइए कल की मेला में दोनों अवतार होंगे, सूर्यवंश के अंत में रामावतार और चंद्रवंश के अंत में कृष्णावतार। ये दोनों बड़े महान वंश हमारे देश में हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण ने तो इन दोनों वंशों की बड़ी महिमा गाई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। ये कल का विषय। आइए पहले नाम के गंगा में नहाएं। अरे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे एक बात बहुत जरूरी, बैठ जाओ माता जी लोग। ए माता जी, ओ चाची बैठो, एक नई बात बताने जा रहे हैं। बैठो सब, बैठो, ए बैठ बैठ, बहुत जरूरी बात बता दे आप लोगों को। जितनी माताएं हैं सब बैठ जाए, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, कथा बाद में सुनाएंगे। स्त्री कोई यदि लंबा लेट के जमीन पे प्रणाम करती है तो उसने मानो बहुत बड़ा पाप किया, और कोई ब्राह्मण बिना आसन के जमीन पे भी बैठ जाता है तो मानो उसने बहुत बड़ा अपराध किया। स्त्री को नारी नाम कुचमंडलम ऐसा लिखा है। स्त्री का जो बक्षस्थल है वो धरती पे टच नहीं होना चाहिए। कोई बहुत देखता हूं कामाख्या भवानी भी जाती हैं महिलाएं, सर लंबा लंबा लेट जाती हैं। इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है। एक घुटना है ना, घुटने के बल आप लोग बैठे और मत्था जमीन में टेक ले। कभी आज से आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जमीन में लंबा लेट के कभी प्रणाम नहीं करेंगे। ये घुटने के बल बैठ के और हाथ जोड़ के मस्तक नीचे करके आप लोग प्रणाम करेंगे। एक दूसरे को बताइए, सब आप सब लोग बताइए जो नहीं जानते हैं, ये आज से आप लोग नियम बना लीजिए। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद धाम करील की कुंजन ऊपर बारो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल जय जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे
उसको दो बीमारी नहीं होती, एक तो दिल की एक तो बीपी की। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक दिन बता दिया ना, एक चाइना वाला डॉक्टर बता रहा था ऐसे 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 क्या करो, वाह वाह वाह। तो ताली ताली बजाना एक प्रकार की एक्सरसाइज है, एक योगाभ्यास है, एक यू कह लो कसरत है। राधे राधे गोविंद, 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 बोलो राधे राधे गोविंद, 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 राधे 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 गोविंद, 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेमियों प्रथम स्कंद में 19 अध्याय आपको सुनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने के प्रयास में हूँ। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय में सर्ग विसर्ग आदि, पुराणों के लक्षण आदि, और आत्मा आत्मा के चार रूप बताए हैं, ठीक है ना। नवे अध्याय के 4 श्लोकों में, इसमें हमें ज्यादा देर नहीं रुकना है, लेकिन देखो भाई चाहे चाहे एक बार ही प्रणाम करें, लेकिन 10 मंदिर है ना, तो सब में थोड़ा थोड़ा प्रणाम तो करना चाहिए, तो इसलिए छूना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देखो भागवत को तो भागवत के हिसाब से सुनाना पड़ेगा, हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इसमें ग्रंथ के आधार पर थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। आइए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भागवत भगवान के मुख से निकली, ये कोई रॉयल्टी कमाने के लिए कोई उपन्यास तो लिखा नहीं गया था कि कोई उपन्यासकार ने रॉयल्टी कमाने के लिए किताब बेचने के लिए मोटी सी पोथी बना दी, है ना। ये भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोक निकले थे। भाई पंचायत वालों पूरी ध्यान देना पूरी बात में, ये 4 श्लोक यदि कान में पड़ जाए ना तो मानो पूरी भागवत सुन लिया। मैं सुनाई देता हूं तो जल्दी, ये 4 श्लोक जो है वो आत्मा की व्याख्या है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है कि छोटे बच्चों को सुनाया जा रहा है, उनको आनंद आ रहा है, ये आत्मज्ञानियों का विषय है। यावा नहम यथा भावो, मैं जैसा हूं ए ब्रह्मा, मैं माने परमात्मा, मैं जैसा हूं मेरा भाव क्या है, नंबर एक मेरा रूप कैसा है, मेरा गुण कैसा है, और मेरा कर्म कैसा है। ये 4 श्लोक आत्मा का भाव है एक श्लोक में, दूसरे श्लोक में आत्मा का गुण है, तीसरे श्लोक में आत्मा का कर्म है, यावा नहम, और एक श्लोक में आत्मा का रूप है, ठीक है। अब पूछो महाराज आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते, आत्मा देखा क्या आपने, आपने देखा कि रामलाल जी जा रहे हैं, 80 किलो के वजन है, कोट पैंट पहने हैं, चश्मा लगाए हैं, हाथ में मोबाइल लिए, रामलाल जी को तो आपने देख लिया लेकिन आत्मा नहीं दिखी, आत्मा क्या है। गुलाब का फूल खिला है ना, गुलाब का फूल आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हेलो लेकिन गुलाब के फूल में से जो खुशबू निकल रही है ना, सुगंध, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, तो पता कैसे चल रहा है कि उसमें से महक निकल रही है। आपके यदि नाक ना होती ना तो ये भी नहीं पता चलता कि गुलाब महकता है कि नहीं महकता, तो जो महक रहा है, जो सुगंध, ध्यान दीजिएगा, जो सुगंध निकल रही है वो गुलाब की आत्मा है, ठीक है ना। जैसे लकड़ी का डंडा लीजिए और डंडे को छीलते जाइए, छीलते जाइए, छीलने के बाद क्या निकलेगा,
लकड़ी निकलेगी तो उसमें का जो छिलका निकला तो कोई कहे डंडा है क्या, नहीं बोले तो छिलका है, छिलते 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 पूरा डंडा खत्म हो जाएगा लेकिन डंडा नहीं मिलेगा आपको। तो डंडे की आत्मा क्या हुई, डंडे की आत्मा लकड़ी है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है प्रेमियों, तैतरीय उपनिषद में इस आत्मा की बड़ी विशद व्याख्या है जो हमारे बस का नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूं। आत्मा के संबंध में तैतरीय उपनिषद कहता है स्थूल सूक्ष्म, बहुत ध्यान से दो मिनट इस बात को सुनिएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण देहादप्यतिरिक्तो, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार का शरीर होता है जिसमें हम आप केवल एक प्रकार का जानते हैं, जिससे चाउमीन खाते हैं और जिससे टीवी देखते हैं। इस शरीर के अलावा दो शरीर का हमको आपको ज्ञान नहीं है, शरीर तीन प्रकार का है, स्थूल शरीर जो आपका वजन वाला, जो तौलोगे तो किसी का 80 किलो किसी का 90 किलो, और आजकल पिज्जा बर्गर वाले तो 1.5 क्विंटल के होते जा रहे हैं महाराज। हाँ, ये सब वजन बढ़ाते ही जा रहे हैं, और आज के कलयुग में सबसे बड़ा धन है जिसका वजन न बढ़े बस, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। प्रेमियों, अब मरने के बाद जो इसमें से निकल जाता है ना उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और एक माँ के गर्भ में जो केवल 10 दिन का पड़ा होता है ये पता नहीं चलता यार कि लड़का है कि लड़की है, उसी को कहते हैं कारण शरीर। क्या कहते हैं? हाँ, कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण। इस शरीर के वेदांत में तीन भाग हैं। तो ये आत्मा जो है भैया ये तीनों शरीर से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे घड़ी घड़ा माटी के घड़े में माटी है लेकिन माटी में कोई घड़ा नहीं है, उसी प्रकार इन तीनों शरीरों का आधार आत्मा, लेकिन आत्मा का इनसे कोई मतलब नहीं। तो उपनिषद कहता है तीन प्रकार के शरीर से सदा सर्वदा परे। एक आदमी के घर में घम से कुछ गिरा तो बगल वाले दौड़े तो बोले क्या हुआ भाई साहब क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हमारा कुर्ता खोटी टंगा था वो गिरा, इतने जोर से गिरा, बोले नहीं कुर्ता में हम भी थे। कुर्ते में आपके होने का क्या मतलब है? कुर्ता आपने सिलाया है, कपड़ा आपने सिलाया है तो भी आप हैं, नहीं सिलाए थे कुर्ता कहीं बनिया की दुकान में रखा था तो भी आप थे, कल को कुर्ता फट जाएगा तो भी आप रहेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन प्रकार के शरीर से अलग, जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूप में सदा सर्वदा। जैसे आपका 500 रुपया खर्च हो गया तो थोड़ा तकलीफ होने लगी ना, आत्मा को नहीं होती। जैसे आपको भूख लगी तो आपका चेहरा बिगड़ने लग गया, लोगों को लगा कि कोई तकलीफ में आप हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं, वो प्राण को तकलीफ होती है। पंचम स्कंध में हम आपको बताएंगे भूख प्यास निद्रा तंद्रा हर्ष शोक भय ग्लानि, शरीर में किनका किनका धर्म है। यही तो भागवत है। अरे कन्हैया की लीला रसीला छबीला, कन्हैया की लीला, यही तो भागवत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये भागवत है। फिर ये भजन गाना चाहूंगा मैं, छबीला मैया की लीला रसीला छबीला, कन्हैया की लीला रसीला छबीला, कन्हैया की लीला, यही भागवत है, 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 यही भागवत है। बसन पीला पीला, ये वाला भजन आप लोग बड़े अच्छे से गा ले। बसन पीला पीला बदन नीला नीला, बसन पीला पीला बदन नीला नीला, उनका रंग नीला नीला, उनका कपड़ा पीला पीला। ओ पहले पहले एक बार जोर से बोलो सब लोग, जय श्री हरि तब गावे अंतरा, है ना। बसन पीला पीला, बसन पीला पीला बदन नीला नीला, बसन पीला पीला बदन नीला नीला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। जो चारों पदार्थ को करता
ये चारों पदार्थ को कर दल बिठाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती। यही भागवत यो मरण कैसे जीना है, कैसे मरना को सिखाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती। तू क्यों मारा मारा, तू क्यों मारा मारा, फिरे भूला भूला, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला, रसीला छबीला। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन प्रकार के शरीर से जो अलग है, जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, सच्चिदानंद स्वरूप में सदा सर्वदा जो स्थित है, उसी को आत्मा कहते हैं। कितना बढ़िया सूत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण देहादव्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति सैव आत्मा, उपनिषद कहता है वही आत्मा है। तो ये आत्मा के चार विशेषण हैं, आत्मा का भाव, आत्मा का कर्म, आत्मा का रूप, आत्मा का गुण। आइए वो चारों श्लोक मैं आपको सुना देता हूं, जो जगत पिता ब्रह्मा को भगवान नारायण ने स्वरूप ज्ञान के लिए सुनाया था, जो श्रीमद् भागवत के नौम स्कंद के नौम सूर्य नौ श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के नौवें अध्याय में, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यदसत् सत्परम् पश्चादहम् यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये चारों श्लोक सुना रहा हूं आपको, ये चारों श्लोक चतुश्लोकी भागवत, इन चारों का श्रवण अवश्य करना चाहिए, व्यासपीठ से भी इन चारों श्लोकों का वाचन जरूर होना चाहिए। हाँ, और कुछ हो पावे चाहे कम हो पाए, लेकिन इनका उच्चारण जरूर होना चाहिए। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये प्रेमियों वही श्लोक है जो भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सृष्टि सामर्थ्य वर प्रदान करने के लिए किया था, जिनका उपदेश कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यदसत् सत्परम् पश्चादहम् यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। रितेर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम् यथाभासो यथात्मा। तीसरा श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्वा वचेस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। चौथा श्लोक है, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, अहम एव आसम, पहले केवल मैं ही था, मतलब अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, भारत, तो कुछ भी नहीं था, केवल प्रकृति थी और मैं था। भगवान ब्रह्मा जी से बोले पहले श्लोक में, अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यत, न अन्यत माने, अन्यत माने दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा कुछ माने सत असत परम, तीन नाम लिया है। वही बात आ गई नहीं, सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म, परम माने कारण। तीनों तीन प्रकार का शरीर भी होता भैया, और प्रकृति भी तीन प्रकार की होती है, समझाई देते हैं। स्थूल प्रकृति तो आप जानते ही हो, एक बीघे में बरगद का पेड़ खड़ा है, स्थूल प्रकृति। सूक्ष्म प्रकृति जो जमीन में पड़ा है, दिखाई नहीं देता। और कारण प्रकृति, कारण प्रकृति माने बरगद के पेड़ में चार ट्रक लकड़ी है, लेकिन बरगद का इतना बड़ा बीज आप जो हाथ में लिए हैं, वो उस बरगद के पेड़ का कारण है। वो बीज नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, वो कारण प्रकृति है। तीनों प्रकृति ब्रह्मा नहीं थी, ओहो केवल मैं था। ब्रह्मा जी बोले बाबा आगे, बोले आगे भी सब समाप्त हो जाएगा ब्रह्मा, सब जो भी दिख रहा है ना वो सब नष्ट हो जाएगा, और बचेगा कौन, केवल मैं। भैया नष्ट हो जाने वाला जो है वो जगत है, और बचने वाला परमात्मा है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, न आपका रूप, न आपका रंग, न आपका धन, न आपका वैभव, कुछ नहीं बचेगा। मैं बचूंगा। यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्वा वचस्सनु
प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, जैसे महा जैसे पंच महाभूत है ब्रह्मा। मैं जल्दी इसमें से निकल रहा हूं, है ना, मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इसको बताना बहुत जरूरी है। ए ब्रह्मा, पंच महाभूत जानते हो? जानते हो, लेकिन इसमें भागवत में दूसरे तरह की भाषा है। क्षिति जल पावक गगन समी, ये पंच महाभूत। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यति अधम शरीरा, ये पंच महाभूत, ये माने पांच तत्व आपके भी शरीर में, आपों के शरीर में। तो क्या कुत्ते के शरीर में कितने, उसमें चार ही है, कैसा नहीं, उसमें भी पांच, सुअर में भी पांच, ऊंच नीच इसमें लिखा, उच्चा औच्चे सुनू। जैसे ब्रह्मा ये पांच तत्व ऊंचे लोगों में भी घुसे हैं और नीचे में भी, उसी तरह से मैं जगत में हूं भी और नहीं भी हूं। ये तत्व ज्ञान उपदेश के लिए ब्रह्मा जी के चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। ब्रह्मा जी बोले बहुत कठिन कठिन बोल रहे हो महाराज, समझ नहीं पा रहा हूं कुछ। ब्रह्म भगवान बोले एतावदेव, ये आखिरी श्लोक, आखिरी श्लोक की जल्दी व्याख्या कर दे। एतावदेव जिज्ञासम, हे ब्रह्मा तत्व जिज्ञासा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने लायक है, क्या मुझ परमात्मा को अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जानो। बहुत कठिन है, अन्वयभ्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, मुझ परमात्मा को अन्वय साधन से समझो। कार्येषु कारणत्वात् वेदांत कहता है अनुवृत्ति अन्वय, कार्य में कारण की व्यापकता अन्वय है, और कारण में कार्य का अभाव व्यतिरेक है। नहीं समझे ना, मिट्टी के घड़े में जैसे मिट्टी घुसी हुई है, घड़ा तोड़ो तो माटी माटी निकलेगी, लेकिन फावड़ा लेके जमीन खोदो तो यक्को घड़ा नहीं मिलेगा। इसी तरह ब्रह्मा मैं हूं भी और नहीं भी हूं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसे ना, तो अन्वय व्यतिरेक आसानी से इतना कोई समझा ही नहीं पाएगा रामचरितमानस में। यही भागवत में समझ में नहीं आ रहा है, और गोस्वामी जी ने बिल्कुल पीस पास के हलवा बना के खिला दिया। कि व्यापक व्यापे अन्वय, व्यापक व्यापे अखंड अनंता, यही अन्वय। अनुभव परमात्मा को जानने का साधन, तुलसी बाबा ने रामायण में कितना पढ़िया, जिसके समझ में ना आवे एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना, वो तुरंत तुलसी बाबा का पैर पकड़ लो, वो समझ में आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हमारे तुलसी बाबा का तो जलवा है। एक एक मुसलमान फकीर मिला हमसे, बोला महाराज हम भी गोस्वामी जी को मानते हैं। उनका अच्छा कुछ बताओ गोस्वामी जी के बारे में। तो उसने कहा ना कि महकता है जमाने में अजब गुलजार, तुलसी का मुकाबिल हो नहीं सकता कोई फनकार, तुलसी का मुकाबिल हो नहीं सकता। तो व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अनुभव कम में भजहि जहि संता। व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अनुभव कम में भजहि जहि संता। ये तो अन्वय हो गया। अब व्यतिरेक, व्यतिरेक में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद। जोर से बोलो जय श्री हरि। अब इन दो चौपाइयों को सब लोग याद कर लीजिए, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजह जय संता। अरे राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। बस ये श्लोक समझ में आ जाएगा। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। आइए भैया, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय थे जो आत्मा के चार विशेषणों की व्याख्या किया है, सर्ग विसर्ग आदि पुराणों के लक्षणों की व्याख्या किया। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी बोले, राजन जो तुमने प्रश्न किया ना मेरे से, यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय महामुनि से प्रभासक क्षेत्र में किया था। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित बोले, गुरु जी ये बताइए ये विदुर जी कौन थे,
बोले विदुर जी यमराज के अवतार थे, धर्मराज थे, और धरती में दासी के पुत्र के रूप में विदुर जी आए, और विदुर जी इतने बड़े पंडित थे कि जो विदुर जी अपने मुखारविंद से धरती लोक में बोल गए प्रेमियों, वो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत के उद्योग पर्व में वो विदुर नीति आपको पढ़ने को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है ना, उसी तरह विदुर नीति भी महाभारत में ही आपको मिल जाएगी। ऐसे महात्मा विदुर परम पंडित थे। अच्छा एक बात बताइए भैया, क्या ब्राह्मण बनके व्यास गद्दी पे बैठ के उपदेश करे तो ही ज्ञानी होने का मतलब है? नहीं तो नहीं है। विदुर जी नहीं ज्ञानी थे क्या? उन्होंने कभी भागवत कथा का मंच लगा के कभी पूजा करा के अपनी? उन्होंने तो जो सुना दिया प्रेमियों। आजकल बस सबको एक ही चीज दिखाई पड़ती है, इन ब्राह्मणों का बायकॉट करो, खुद गद्दी पे बैठो, खुद पूजा कराओ। प्रेमियों क्या इसी तरह से दुनिया को उपदेश दिया जा सकता है? हम तो कहते हैं कोई मेरी बात सुने, मैं तो नीचे उतर के सुनाने को तैयार हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई शौक नहीं हमें पूजा उजा कराने का, कम से कम समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। किसी भी जाति को लोग यदि उपदेश दें तो कम से कम विद्वानों से कुछ पढ़ें, संतों से कुछ सीखें, विद्यालय में जाके कुछ पढ़ें, कुछ याद करें, कुछ तत्व निकालें। अरे देव ना उपदेश भाई, विदुर जैसे विद्वान बनो, हम तुम्हें मानने को तैयार हैं। कि वही बस ढोलक में जड़े सितार बलम, ये सुनाओगे तो हम मानने को तैयार होंगे आपको? आपको यदि उपदेश देना है तो आप विदुर जैसे क्यों नहीं बनते? विदुर तो दासी के पुत्र थे प्रेमियों, लेकिन सभी विद्वानों ने विदुर का सम्मान किया था। सूत जी महाराज भी ब्राह्मण नहीं थे, बोलो राजा रामचंद्र की, लेकिन सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सुना था। प्रेमियों सुनाने वाला कोई विद्वान हो, वो चाहे किसी समाज का हो, उसका आदर होता है। लेकिन पता चले आप कुछ बने भी ना और नकली बने तो आदर कैसे होगा? एक बार की बात है, राजा के खजाने से चोर लोग कुछ धन चुरा के भागे, राजा के सिपाही उनको दौड़ाए चोरों। मांडव्य नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा बैठे ध्यान लगाए तपस्या कर रहे थे, तो चोर लोगों ने वो धन का गट्ठर जो था ना वो बाबा के पास ही छोड़ दिया। भैया बाबा के पास ही धन का गट्ठर छोड़ दिया, चोर भाग गए। सिपाही आए तो बोले देखो चोरी करने के बाद में कितना बड़ा बगुला भक्ति, कितना बड़ा ध्यान लगाया है, पकड़ो इसको, ये चोर है। मांडव्य ऋषि को राजा के सिपाही पकड़ ले गए। राजा से बोले सरकार चोर पकड़ा गया। राजा ने देखा नहीं ठीक से, रात के अंधेरे में बोले इसको सूली पर चढ़ा दो। मांडव्य ऋषि को सैनिकों ने सूली पर चढ़ा दिया। सवेरा हुआ तो सब हाहाकार मच गया, अरे तो मांडव्य ऋषि है, वो तो अपने योग बल से मरे ही नहीं, सूली पे बैठे रहे। राजा आया पैर पकड़ के रोने लगा, बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप जो दंड हमको दें हम भोगने के लिए तैयार हैं। महाराज हमने आपको देखा नहीं था, हमको क्षमा। मांडव्य ऋषि बोले तुम चिंता मत करो, तुमको मैंने छोड़ दिया, लेकिन जमराज की खैर नहीं है, मेरे कौन से अपराध का दंड उसने दिया। अब मांडव्य ऋषि अपने योग बल से यमलोक पहुंच गए। जैसे आप लोग हवाई जहाज से अमेरिका पहुंच जाते हो, जो लोग हवाई जहाज कभी नहीं देखे वो कभी सपने में विश्वास किए थे कि मैं इतने 19,000-20,000 किलोमीटर दूर जाकर के मैं पहुंच जाऊंगा प्रेमियों, तो वही अपने योग बल से अपने वैज्ञानिक साधन से वो यमलोक पहुंच गए। जैसे मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, इस तरह से इसको समझो। तो उनके पास भी ऐसी अलौकिक शक्तियां थी, यमराज के यहां पहुंचे थे, यमलोक में हाहाकार मच गया। यमराज आके चरणों में गिरा, बोले गुरु जी क्या सर? बोले जल्दी अपना बही खाता खोल, देख मैंने क्या अपराध किया है, मुझे सूली का दंड देने का मेरे को कौन सा अपराध। यमराज के चित्रगुप्त ने जल्दी से पन्ना वन्ना पलटा, बोले महाराज बचपन में आपने एक टिड्डा नाम की कीड़ा को उसके नोक से छेदा था, सो यह दंड। अरे मांडव्य ऋषि बोले मूर्ख, अनजाने में किए गए अपराध का दंड सपने में मिलता है, कौन ऐसा है जो पाप नहीं करता? अगर जितना पाप आप करें उतना आपको दंड मिलने लगे, तब तो कोई 10 साल भी जिएगा नहीं, सब खत्म हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जो आप गंदे गंदे स्वप्न देखते हैं रात में ना, तो संत कहते हैं कि ये अनजाने में किए गए पाप का दंड है। जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ दासी पुत्र बनकर पृथ्वी में घूमो। मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दे दिया कि दासी के पुत्र। प्रेमियों वही महात्मा विदुर बनकर धरती पर आए। बोले महात्मा विदुर जी महाराज की, परम संत थे, हस्तिनापुर के महामंत्री थे। विदुर जी की जगह कोई आज वाला कोई मंत्री हस्तिनापुर का हो जाता तो दो दो हेलीकॉप्टर से कम नहीं होते उसके पास। महात्मा विदुर जी काली कमली ओढ़े झोपड़ी में, उनकी पत्नी भी बड़ी भक्त थी, परम भक्त।
उन्हीं के घर में भगवान आए थे। काकी काकी बुला करके साग खाए भैया, केले के छिलके खाए। पांचों पांडव बड़े संतोषी हैं, अरे कन्हैया ये हैं तो मेरे भाई, रे पांच गांव दे दे तो दाल रोटी मेरी चल जाए, रे तो काहे को लड़ाई करूं मैं। भगवान बोले वाह वाह, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ, तुम्हारी साधुता तुम्हारी दयाशीलता। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कन्हैया मैं दुर्योधन भैया से युद्ध नहीं करना चाहता, उनसे बोल दो पांच गांव दे दे, हमारी दाल रोटी हमको खाना पीना मिलता रहे, है ना, हम लड़ाई नहीं करते। सरकार आज पांचों पांडवों के लिए पांच गांव मांगने जा रहे हैं। हमारे आपके जैसा कोई होता कहता है हम उस अहंकारी दुर्योधन से मांगने नहीं जाएंगे, हमारे द्वारिका में इतने लंबे चौड़े कमरे बने, तुम पांच भाई तो हो और पांचों भाई की वो पत्नियां द्रौपदी और कुंती बुआ, चलो चलो हम दो तीन महल आपको देते हैं, 100 बीघा जमीन देते हैं, चलो वही कमाओ खाओ, छोड़ो दुर्योधन की छोड़ो। लेकिन नहीं, भगवान अपने भक्तों को सम्मान से जिंदा रखना चाहते हैं प्रेमियों, बोझ के तले नहीं। ठाकुर जी अपने रथ पे बैठे प्यारे, दुर्योधन से दुर्योधन जैसे घमंडी से प्यारे, कोई दान दाता से मांगने, शंभू सिंह जी से मांगने आऊं तो शोभा है, लेकिन किसी कंजूस अहंकारी से अगर मांगने जाऊं तब तो अपमान है। माननीय प्रिंसिपल साहब से कोई मांगे, माता जी के यहां जितनी बार कार्यक्रम हुआ माननीय ब्रजेश सिंह जी और शंभू सिंह जी बड़े सहयोगी रहे, इन लोगों के प्रभाव से माता जी के यहां कई कार्यक्रम हुए रामकथा भागवत कथा के, तो ऐसे लोगों से आप जैसे लोगों से कोई मांगे भाई कि एक बोरा चीनी दो भंडारा है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई राम जी को गाली देने वाला हो, कोई गऊ का विरोधी हो, कोई अहंकारी हो, उससे कोई दान मांगने जाए, लेकिन भक्त भक्तों के लिए श्री हरि अपन रथ पर बैठकर दुर्योधन से पांच गांव मांगने जा रहे। दुर्योधन ने भी खूब माला फूल अपने घमंड का परिचय दिया, आज दिखा देता हूं द्वारिकाधीश को कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, बंदनवार वो फूलों की झालरें वो फूलों की बरसा, हजारों नर नारी और द्वारिकाधीश के सम्मान में द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, पूरी हस्तिनापुरी में नगरी में आवाज आ रही। आजकल का कोई मंत्री होता तो जेड प्लस सुरक्षा मिली होती, बेचारे विदुर खड़ाऊ पहने उसी भीड़ में धक्के खा रहे हैं कि एक बार अपनी नजर से श्री द्वारिकाधीश हमको भी देख देते ना, तो उसकी काकी ने कहा था कि जैसे संकेत मिले ठाकुर जी का तो दौड़ के आना मेरे को बताना, काकी मैंने विदुरानी। अरे जाने कब होगी हम पे दया की नजर, काली कमली ओढ़े दुबले पतले सांवले से शरीर वाले महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री, परम प्रकांड पंडित जो धृतराष्ट्र से लेकर पितामह भीष्म तक को उपदेश देने वाले, उस भीड़ में धक्के खा रहे हैं, कन्हैया एक बार देख के इशारा तो कर, तेरी कुछ सेवा कर पाऊंगा, तेरी काकी बरसों से तपस्या कर रही। जाने कब होगी हम पे दया की नजर, सब गाएंगे। अरे इंतजार में दिन गुजर जाएंगे, हो जाने कब होगी हम पे दया की नजर, जाने कब होगी हम, क्या बात है, दया की नजर। इंतजार में अपने दिल से तो पूछो जरा, आप ही बड़ा सुंदर आपने निवेदन है, तो पूछो जरा, आप ही अपने दिल से तो पूछो जरा, आप ही अपने दिल से तो पूछो जरा, हम मुसीबत के मारे किधर कब होगी हम पे दया की नजर, जाने कब होगी हम पे दया की नजर।
भीख दे दो मुसीबत का मारा हूँ मैं, भीख दे दो मुसीबत का मारा हूँ मैं, तो सहारा प्रभु बेसहारा हूँ मैं, तो सहारा प्रभु अरे बेसहारा हूँ मैं, भीख दे दो मुसीबत का मारा समझ कर मुझे, जख्म भी एक ही अंतरा गाएंगे बस, जख्म भी मेरे दिल के ये भर जाएंगे, जख्म भी मेरे दिल के ये भर जाएंगे, जाने कब होगी हम पे दया की नजर, जाने कब होगी हम पे दया की नजर, अरे अरे कभी भीड़ में अंदर प्रवेश करते हैं तो कभी धक्के से बेचारे बाहर आ जाते हैं, तो कभी फिर इसी में विदुर काका बिल्कुल धक्के मुक्के में लगे हैं। एकाएक द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, द्वारकाधीश ने अपने रथ पर से देखा कि महात्मा श्री विदुर भीड़ में खड़े हैं, जोर से चिल्लाए काका राम राम, पूरी भीड़ चकित थी, कहां के काका गए, एक काली कमली दुबला पतला शरीर। भगवान श्री द्वारकाधीश उसी भीड़ में से जोर से बोले काका राम राम, जाओ काकी से कह दो भोजन घर पे ही करेंगे। नगर वाले बोले बड़ी विचित्र लीला है नारायण की, आज कई दिनों से हलवाई लगे कारीगर लगे, कोई व्यंजन इस दुनिया का बाकी नहीं है जो द्वारकाधीश की सेवा में दुर्योधन बनवा नहीं रहा है, लेकिन उस व्यंजन में प्रेम नहीं है, उस व्यंजन में अहंकार है, लेकिन विदुरानी के उस केले में भी बड़ा प्रेम भरा। विदुर जी बड़ी जोर दौड़े, इतने जोर से दौड़े, खड़ा वड़ा निकल के दूर गिरी, कुछ होश नहीं रहा, वो कंबल उम्बल पता नहीं कहां गिरा, लड़खड़ाते दौड़ते विदुरानी का दरवाजा ठोका, विदुरानी तेरे भाग चुके हैं। विदुरानी बेटा क्या हुआ, क्या हुआ ठाकुर जी आ गए क्या? अरे बोले आ नहीं गए, उन्होंने कहा जा काकी से बोल दे, ए काका काकी से बोल दे भोजन घर पे करेंगे। ए विदुरानी बोले सपना अपना देख रहे हो क्या, आज चार पांच दिन हो गए वहां पे बड़े 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 रसोइये भोजन बना रहे हैं। अब विदुर जी बोले जो संदेशा द्वारकाधीश का था विदुरानी वो मैंने तुझे सुना दिया, अब तेरे को नहीं भरोसा हो रहा तो मैं क्या करूं, लेकिन लेकिन एक बात सुन, ये बात बिल्कुल सही है कि द्वारकाधीश आज तेरे हाथ का ही भोजन करेंगे, क्योंकि प्रेम का भोजन है सरकार का, ला मेरा कमंडल ला, घर में कुछ नहीं है, तेरे केले वाले होंगे तो क्या इतने बड़े महान अतिथि को तो केला खिलाएगी। उसकी आदत तो लड्डू खाने की है, तो मैं जाके लाता हूँ एक कमंडल तो ले जाऊं, ज्यादा नहीं तो कमंडल लेकर के विदुर जी भागे बाजार की तरफ। इतने में श्री सरकार दुर्योधन के महल में प्रवेश कर गए। दुर्योधन अहंकार पूर्वक मुस्कुराते हुए बोला द्वारकाधीश आपके आने से बड़ा अच्छा लगा। आइए आइए आज आपके साथ भोजन करने का हमको भी सौभाग्य मिलेगा। द्वारकाधीश बोले वो राजकुमार भैया मैं भोजन करने नहीं आया हूं, मैं एक छोटी सी बात तुमसे कह दूं, पांचों पांडव बड़े साधु हैं बड़े संत हैं, ये मत समझ लेना कि वो लड़ने में आगे नहीं है, यदि उन्होंने गदा उठा लिया, यदि उन्होंने भाला उठा लिया, यदि उन्होंने धनुष उठा लिया, यदि शस्त्र उठा लिया तो तुमसे कमजोर बिल्कुल पड़ने वाले नहीं है, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी गांधारी की गोद में पला है इतने दिनों से, युद्ध का नाम तो सुना है तूने, खाली अखाड़े में गदा का अभ्यास कर लेने से कोई योद्धा नहीं हो जाता, इसलिए ऐसा करना भैया पांच गांव दे दे तो मैं मना लूंगा, रे काहे को लड़ाई झगड़ा करेगा।
दुर्योधन बोला द्वारिकाधीश एक बात सुन लो, सुचक्रम नैव दास्यामि, उस सुई के नोक के बराबर जमीन देने का नाम नहीं लूंगा मैं बिना लड़ाई के। भगवान बोले ओ बहुत, तेरे को मक्खन मिश्री और दूध मलाई खिला दिया है ना तेरे पिताजी ने, तो अब यदि मैं देवकी पुत्र कृष्ण हूँ दुर्योधन, तो ऐसी लड़ाई दिखाऊंगा ना कि सदियों में ऐसी लड़ाई तूने और तेरी पीढ़ी ने नहीं देखी होगी, ऐसा रणनीति का जाल फैला दूंगा। उठे भगवान, कहीं कहीं कटोरा गिरा, कहीं लोटा गिरा, कहीं गिलास गिरा, कहीं मेवा गिरा, महल भर में हड़कंप मच गया। भगवान बोले अब तुझे दिखाता हूं कि रणनीति का जाल कैसा होता। कल मैंने एक बात बताई थी ना, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया, फिर से बता रहा हूं, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, सहिष्णुता में पार्वती के समान, सूरता में उत्तरा के समान, सतीत्व में सीता के समान, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में हनुमान के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान, योग में श्री वशिष्ठ के समान और रणनीति में श्री कृष्ण के समान इस धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ। ये अपने आप में अकेले। भगवान बोले अब मैं तुझे रणनीति का खेल दिखाऊंगा। ठीक है? सुई के अग्रभाग के बराबर नहीं, ऐसी लड़ाई होगी नरे दुर्योधन की, सुई के नोक के बराबर जमीन तुझे नहीं मिलेगी। बस अरे रुको, और भी बातचीत करने के लिए बहुत बातें हैं, आप कहां जा रहे हैं? भगवान बोले जब मैं और बातें करने नहीं आया हूं तो फिर और बातें करूंगा क्यों? जितना भी भोजन पानी की तैयारी हो रही थी वो सब बर्तन भैया ढक दिए गए, इधर विदुरानी ने झाड़ू वाड़ू लगाया, कुछ की चटाई बिछाई, उधर विदुर काका भैया वो कमंडल लेकर के वो लड्डू लेने के लिए गए थे, भी काका लौटे नहीं। भगवान थोड़ी दूर पहले ही अपने रथ को रोक दिया, अपने घोड़ों से कहा भाई यही रहो, काकी के सामने रथ वथ पे चढ़ के नहीं जाते। अरे आज हरी आए, संतों ने कहा ठाकुर जी अतिथि बनकर विदुरानी के घर में आए। ये विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर नहीं विदुर नहीं, काका तो लड्डू लेने गए, विदुरानी, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर, विदुरानी, विदुर नहीं घर, विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग है सुनाए, आवत ही हरि है सुनाए, काकी जी
की दीन में भूख सताए आज हरी आए आए आज हरी आए आए आज हरी आए विदुर घर पाहुना आज हरी आए विदुर घर पाहुना आज हरी आए गेस्ट कहते हैं गेस्ट उर्दू में मेहमान कहते हैं मेहमान की जो सेवा करे वो मेजबान और हमारे यहां सनातन धर्म में जितना ऊंचा शब्द है अतिथि आ माने नहीं तिथि माने तारीख जिसके आने का कोई समय निश्चित ना हो कि वो रात के 12 बजे आ जाए कि 11 बजे आ जाए अब आजकल तो घर में आजकल तो देहातों में भी वो प्रदूषण फैलने लगा ना वो बीमारी बाहर वाली गिन गिन के रोटी जैसे 3 आदमी है तो मजाल क्या है 12 रोटी से 13 रोटी बन जाए 4 पप्पू के लिए 4 डबलू के लिए 4 रिंकी के लिए वो गिन के बनती मजाल क्या है छिपकली भी घर में रहने वाली एक रोटी का टुकड़ा पा जाए कुत्ता तो छोड़ो कुत्ता तो ज्यादा खाता है एक छिपकली भी एक टुकड़ा नहीं पा सकती आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में सब गिन के भोजन क्योंकि अतिथि वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया हमारे यहाँ अतिथि के आने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता समय निश्चित नहीं होता था वो अब नहीं तो मेहमान मेहमान की परिभाषा जानते हो मेहमान जैसे कुमारगंज पहुंच जाएगा तो टेलीफोन करेगा हाँ जी राम 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 तो करेगा नहीं गुड आफ्टरनून सर हाँ मैं 4 आदमी आ रहा हूँ हेलो 4 आदमी आ रहा हूँ इसमें एक शुगर पेशेंट है बिना चीनी की चाय पीते हैं एक मंगलवार व्रत है उनके लिए सेब केला अंगूर ये सब फलहार कर देना एक लोग थोड़ा हार्ट पेशेंट है उनके पराठा वराठा मत बना देना कहीं 4 आदमी 4 रंग के आए और पहले से फाइनल हो गया कि इतना भोजन बनना है आ गए खाए पिए अतिथि जो होता है ना वो कभी भी आ जाता अक्सर हमारे यहाँ अतिथि जब आते थे जब बर्तन वाला भोजन खत्म हो जाता था ठीक है आजकल तो सर चटनी पीसने को सिल पे तैयार नहीं है महाराज भोजन बनाने की तो छोड़ो घर में शंभू सिंह जी हमसे कह रहे थे झगड़ा मत करना इनसे कोई नहीं नहीं मैं ऐसे कह रहा हूं नहीं तो घर में विवाद शुरू हो जाए सुनो मेरी बात सुनो हाँ कहा कोई अतिथि सेवा का पूरा भार महिलाओं के सर पे होता तो पहले नारियां थी घर में तो अतिथि आते थे अब घर में सब लेडीज भर गई हैं तो अतिथि आवे कहां से वो तो भाग जाता अब नहीं तो कुछ कुछ बेशरम मेहमान जैसे हो तो कोई एक बेशरम मेहमान एक घर में पहुंच गया 15 दिन रुका घर वाला घर मालकिन बड़े अच्छे थे बेचारे काम धंधा छोड़ के बोले भैया किसी दिन पकौड़ी किसी दिन कचौड़ी किसी दिन मालपुआ अब मेहमान जाने का ही नाम ना ले अब इतना बढ़िया फ्री में खाने को मिले तो काहे को जाए घर वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि कहा बताओ दुकान उकान तो खुल नहीं रही है ये बैठा है कोई उपाय तुम बताओ चला जाता है वो बोली मेरा काम बनाना खिलाना है भगाना नहीं समझे घर वाली भी तन गई वो अच्छा बोली तो घर वाला बोला देखो मैं कल तुमको डांटूंगा जोर से तुम जोर से रोना रोने में तो लोग PhD है ही है जितना जल्दी ये रो लेती उतना जल्दी कोई नहीं रो पाता ए काहे को टू टू की हो जी घर वाले ने जोर से डांटा और उनकी पत्नी जोर से रोने लगी मेहमान ने उठाया झोला भगा बोला अब तो इस घर में रह के क्या करूंगा यहाँ तो झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया लेकिन पत्नी रोए जा रही थी रो चुप नहीं हो रही थी तो उसके पति ने कहा अब क्यों रो रही हो उसको भगाने के लिए ही तो डांटा था वो तो चला गया मैंने सही सही में थोड़े डांटा था उसने भी अपने आंसू आंसू पोंछ लिए बोली मैं भी सही सही में थोड़े रो रही थी हम भी सोचे नहीं तब तक झोला लेके वो भी वापस आ गया कहा हम सही सही में थोड़े गए जब तुमने सही सही में डांटा नहीं ये सही सही में रोई नहीं तो हम सही सही में गए नहीं जब तुम दोनों में थोड़ी सच्चाई होगी जिस दिन उस दिन हम भी थोड़ी सच्चाई दिखाएंगे जब आज तुम दोनों झूठे तो हम भी झूठे बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की और हमारे यहाँ अतिथि की पूजा की जाती थी अतिथि को देवता माना जाता था ऐसा अतिथि ना हो कि जाते समय मोबाइल उठा के लेके चला जाए ऐसा देवता किस काम का
तो भगवान श्री हरि विदुरानी की झोपड़ी में अतिथि बनकर आए। विदुरानी बोले वो भगवान बोले वो काकी वो काका पता नहीं लड्डू उड्डू लेके कब आएंगे, तो तेरे घर में जो है ना पहले एक साथ सब थोड़े खा लेते हैं, जैसे आप भोजन में पहले सलाद लगाते हैं रोटी रखते हैं सब्जी सब एक साथ है थोड़े खा लेता कोई, बहुत लोग तो फैशन में पहले आधा सलाद ही खा जाते हैं भोजन बाद में करना शुरू करते। बोले काकी जो है सो दो। तो काकी इतना प्रेम में पागल हो गई, आहा इस जगह पर मुझे सुंदर दास जी का छंद याद आ रहा कि नीर बिन मीन दुखी छीर बिन शिशु जैसे पीर की औषधि बिन कैसे रहो जात है, चातक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोर जैसे। सुंदरदास जी के बारे में आपने याद, सुंदरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों एक साथ काशी में रहते थे। सुंदरदास जी राजस्थान के दादू दयाल के शिष्य, बड़ी सुंदर चरितावली में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं, तो उसमें एक छंद आपको सुना रहा हूं। नीर बिन मीन दुखी छीर बिन शिशु जैसे पीर की औषधि बिन कैसे रहो जात है, चातक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोर जैसे चंदन को चाह कर सर्प यकुलात है, कि निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत जैसे, ऐसी जाके चाह ताही कछु न सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम जहां नेम कैसो, कि सुंदर कहा ये तो प्रेम ही की बात है। विदुरानी जी इतना प्रेम में पागल हो गई ना, दूर दूर बिठाओ भाई इनको, दूर दूर बिठाओ इनको, आगे बच्चों का बैठना सख्त मना, रहने दो छोड़ दो छोड़ दो, बस इनको तीनों को रहने दे, बदमाशी नहीं करते भैया इतना पागल हो गई। बोलो जी जोर से जय श्री हरि। मेहनत तो आपको लगती होगी ना बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या किया जाए, ये दवाई ऐसी है कि इसके बिना काम नहीं चलता। विदुरानी जी इतना प्रेम में पागल हो गई, इतना पागल हो गई। कि वो केला के छिलके को भगवान को पकड़ा दिया, ये कथा तो आप लोग सब जानते ही हैं, और मैं थोड़ा गा देता हूं इसी में कि कदली 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 ए तो दूरी बहाये छिलका का प्रभु भोग लगाए, छिलका का भोग लगाए, छिलका का प्रभु भोग लगाए, छिलका का प्रभु भोग लगाए, बड़े प्रेम से पावना पावना, आज हरि आए है आज हरि आए आए आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर। ये आज हरि आए विदुर घर पावना, अब ताली बंद कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बजाना। भगवान भगवान चबा चबा के दो चार छिलके खा गए, खाना चाहिए था केला, खा गए छिलका, इतने में दौड़े दौड़े विदुर जी आए, वो लड्डू का मंडल मिले, विदुरानी जल्दी दरवाजा खोल द्वारकाधीश के आने का समय हो गया, उनको पता ही नहीं कि अंदर बैठे चार छिलका खा गए तब लड्डू लेके आए। विदुरानी बोली आने का समय नहीं हो गया है, भगवान भोजन कर रहे हैं। जब दरवाजा खुला तो विदुरानी जी को तो पता नहीं था, विदुर जी महाराज ने देखा कि द्वारिकाधीश केले का छिलका ऐसा खा रहे हैं जैसे कि तीनों लोगों की कोई बहुत स्वादिष्ट कोई भोज्य सामग्री है वो। विदुरानी बोली, विदुर जी बोली कर क्या रही है, और विदुरानी बोली मेरे को तो पता नहीं, बोले छिलका खिला दिया भगवान को केला,
इतने माही विदुर जी आए विदुरानी पर वो तो बहुत रिसाए। चलो ठाकुर जी मैं क्षमा चाहता हूँ तुम्हारी काकी की तरफ से, ये बेचारी इतना प्रेम में पागल हो गई कि इसको पता ही नहीं चला कि छिलका क्या है और केला क्या है, इसमें अंतर न रह जाए ना, उसी को प्रेम कहा जाता है। यदि केले में और छिलके में अंतर न दिखाई दे, इसी को नारद जी ने प्रेम कहा है। इसी प्रेम के लिए बाबा नारद ने अपनी लेखनी से लिखा है भक्ति सूत्र में, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। कौन सा? तो नाम भी लिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जिनको परिवार का ध्यान नहीं, जिनको पुत्रों का ध्यान नहीं, जिनको घर का ध्यान नहीं, जिनको दूध दही का ध्यान नहीं, जिनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं, ऐसी गोपियां ऐसी श्री विदुरानी, इनको प्रतीक माना गया है प्रेम का। भगवान ने एक दो लड्डू भी खाए, बोले काका लड्डू लड्डू लाने में आपको देर हुई, तो हमको लगा कि काकी के प्रेम में इतनी ताकत थी कि इनका केले का छिलका जो था ये लड्डू जैसा ही लग रहा था, तो अब तो पेट भर गया है, ये छिलके में ही इसका स्वाद आ गया था, इसलिए अब हम नहीं खाएंगे। भगवान भोजन करके और चले गए। विदुर जी महाराज ने दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन ने विदुर का अपमान कर दिया, जैसे रावण ने विभीषण का अपमान कर दिया था, उसी दिन से उसके विनाश का मार्ग खुल गया, विनाश का समय शुरू हो गया था। और प्रेमियों जैसे दुर्योधन ने संत विदुर का, एक बात बताऊं आपको, आपके जीवन में कोई यदि आपको मिला है, विदुर जी ने अपनी नीति में धृतराष्ट्र से कहा था, हे बड़े भैया चत्वारि तेतात ग्रहे बसंतु, चार प्रकार के लोग आपके घर में सदैव रहना चाहिए, यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं, घर में सुख चाहते हैं, ये विदुर जी की ही वाणी है विदुर नीति में, कि चत्वारि ते कितने लोग, चार, तात ग्रहे बसंतु, चार लोग आपके घर में रहने चाहिए। श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले, लक्ष्मी को चाहने वाले लोगों के घर में चार लोग सदैव रहने चाहिए। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीत का श्लोक है। विपत्ति का मारा हुआ कुलीन मनुष्य नंबर एक, अपने घर का कुल का कोई बूढ़ा पुरुष, बाबा हो दादी हो पर बाबा हो है? नानी हो मौसी हो कोई हो, और सखा दरिद्रो नंबर तीन, गरीब मित्र, आपके साथ कोई पढ़ा वड़ा हो या आपके साथ बचपन से रहा हो, आप ट्रक वाले बस वाले भट्टा वाले हो गए हो लेकिन वो गरीब ही रह गया हो, यदि वो ज्यादा से ज्यादा आपके घर में रोटी खाएगा तो प्रेमियों आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। और भगिनी चान पत्या, बिना संतान की बहन, बहन तो सबके होती है, और बहुत लोगों को भी ऐसी बहन होती है जिनके कोई बेटी बेटा नहीं होती, आपका प्रयास हो कि वो बहन आपके घर में अधिक से अधिक रहे, उसकी सेवा हो, उसको कपड़े मिले, उसको रोटी मिले। विदुर जी कहते हैं चत्वार तेतात ग्रहे बसंतु, चार लोग आपके घर में यदि रहेंगे राजन, तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आधी व्याधि नहीं होगी। तो विदुर जी जिनको मिलते हैं बड़े भाग्य से मिलते हैं, कि सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, दासी के बेटे मेरे महल के टुकड़ों पर पलने वाला, शत्रु की प्रशंसा करते तुझे लज्जा नहीं आती है? अब तो मुझे लगता है कि तुझे हस्तिनापुर का महामंत्री पद त्याग कर यहां से चले जाना चाहिए। विदुर जी बोले कुमार यदि आप नहीं कहते ना तो भी चले ही जाते, क्योंकि अब मेरे से देखा नहीं जाता, हस्तिनापुर रूपी वृक्ष को हमने शुरू से सींचा है और आज मैं मंत्री पद का त्याग करके हस्तिनापुर को छोड़कर सदा के लिए जा रहा हूं। अपनी पगड़ी उतार दिया विदुर जी ने, हस्तिनापुर की चौखट पे रख दिया और अपना धनुष बाण, उस
उतार कर रख दिया, आंखों में आंसू आ गए। चले सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, निर्गत हमारे वो निकल गए। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजा वजा, बोलो जय श्री हरि। सब लोग बोलिए। कौरवों को बड़े पुण्य से विदुर जी, आपको भी कोई यदि सहयोगी मिलता है आप उसका अनादर करते हैं ना, तो आपका पुण्य चला गया। अब पुण्य ही चला गया तो आप अपने बल तक बल पर बहुत दिन तक साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसको जरूर डायरी में लिख लीजिए। बोलो जय श्री हरि। यदि आप सोच रहे हो कि आपने पेट्रोल पंप खोल लिया, आपने भट्टा खोल लिया, आपके ट्रक बस आ गई, आपने फैक्ट्री खोल लिया, तो कहीं ना कहीं आपका पूर्वजों का उसमें सत्कर्म जुड़ा हुआ है। यदि आपके अंदर यह अभिमान है कि वो आपके केवल पुरुषार्थ से खुला है, तो मेहनत तो भैया बहुत लोग करते हैं, अच्छी दिशा में भी परिश्रम करते हैं, लेकिन कहां सफलता मिलती है। तो विदुर जी महाराज सारा पुण्य सारा सत्कर्म दुर्योधन का और कौरवों का लेकर चले गए। प्यारे निकल आइए चलते हैं। आज चौथा दिन है और सभी महानुभावों की उपस्थिति में बहुत सुंदर समय है। तीर्थ की तरफ विदुर जी महाराज चले गए, उद्धव जी महाराज से मिले। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कल कृष्ण जन्म है और राम जन्म है। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान का कोई अवतार बाकी नहीं है, जिसकी कथा नहीं है। बोलो भागवत भगवान की है? पहला सनकादिक, दूसरा बारह, तीसरा नारद, चौथा नंद नारायण, पांचवा अखिल, छठवा दत्तात्रेय, सातवा यज्ञ, आठवां ऋषभ, नौवां पृथु, दसवां अमत्स्य, ग्यारहवां कूर्म, बारहवां धन्वंतर, तेरहवां मोहिनी, चौदहवां नरसिंह, पंद्रहवां वामन, सोलहवां परशुराम, सत्रहवां वेदव्यास, अठारहवां श्रीराम, उन्नीसवां बलराम, बीसवां कृष्ण, इक्कीसवां हरि, बाईसवां हंस, तेईसवां बुद्ध। ये जितने नाम मैंने आपके सामने लिए, भागवत एक ऐसा महान ग्रंथ है कि उसमें सभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इसीलिए इसको भागवत कहा गया, इसीलिए और इसका नाम भागवत है। वैसे भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने अपने मुखारविंद से इसको प्रकट किया था, इसलिए इसको भागवत कहा जाता है। और भागवत शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई भतीजे का है, कोई चाचा का है, कोई घर का है, कोई गांव का है, लेकिन जो केवल भगवान का हो। प्रहलाद जी किसके थे? प्रहलाद जी न अपने पिता के थे, न अपने भाई के थे, न अपनी माता के थे, किसी के नहीं थे, केवल भगवान के थे। तो इसलिए 14 प्रकार के प्रातःकाल प्रातः स्मरण में आपको 14 महापुरुषों का नाम जरूर लेना चाहिए। मैं रोज कहता, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सूक, सौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, ठीक है ना। ये 14 प्रकार के महापुरुषों को परम भागवत कहा गया है, क्योंकि भैया ना ये भाई को जानते हैं, ना माँ को जानते हैं, ना अपने घर को जानते हैं, ये केवल भगवान को जानते हैं। आप हम ऐसे नहीं हो सकते, नहीं नहीं, ये कहना तो बड़ा आसान है, उपदेश देना तो बहुत आसान, ना मैं ऐसा हो सकता हूं। अभी तबले वाले चले जाए, अभी देखो मेरा टेंशन कितना बढ़ जाए, फिर कहां भगवान के हुए। ये भी तो कहीं ना कहीं मोह माया ही है, लेकिन एक माया होती है जो खतरा पैदा कर देती है, एक माया होती है जो कल्याण कर। विद्या और अविद्या माया, दो प्रकार की माया का रामचरितमानस में वर्णन है, ये तो आप भी जानते हैं। तहि कर भेद सुनाहु तुम दोहु, तहि कर भेद सुनाहु। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम ने कहा, तहि कर भेद सुनाहु तुम दोहु, अविद्या दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। गोस्वामी जी ने कितना कल्याण किया जनमानस को, जानते थे कि भागवत नहीं पढ़ पाएंगे, सब तो भर के चले गए। अभी अखंड रामायण, आप अखंड रामायण की तर्ज सुन लो ना, गांव गांव में जो अखंड रामायण करवाते हैं तो आपको कान में रुई ठोस लेनी पड़ती। क्यों करवाते हैं आप लोग ऐसे? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उस तर्ज पे कौन कौन तर्ज पे ऐसा पैर हाथ तोड़ के चौपाई का ये लोग करते हैं, मुझे इतनी तकलीफ, मैं तो इनको देखना पसंद नहीं करता। अखंड रामायण हमारे अयोध्या के संत भी करते हैं, उनकी नकल क्यों नहीं करते आप? ऐसा सुंदर एक लय में एक पाई मात्रा इधर उधर नहीं होगा, सीधे सीधे। अगर आपको पाठ ही करना है, इतना अमूल्य निधि है रामचरितमानस कि जो भागवत में समझ नहीं आए, जो उपनिषद में समझ में नहीं आएगी, वो गोस्वामी जी ने समझा दिया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अविद्या माया दुष्ट है, दुख रूपा से दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख
जीव परा भव कूपा बस जीव परा। अरे भैया ये विद्या माया ही जीव को संसार के कुएं में डालती है और विद्या माया सृष्टि की रचना करती है। तो माया हर जगह गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में गड़बड़ नहीं लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो खराब। शुगर नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा और वो बढ़ जाएगा तो भी। उसी तरह से माया नहीं रहेगी तो भी नहीं काम चलेगा। क्या नाव के लिए पानी खतरनाक थोड़े? खतरनाक है यदि नाव में छेद हो जाए तो पानी खतरनाक है। और नाव अगर कंप्लीट हो तो पानी के बिना तो नाव उस पार होगी भी नहीं। माया को ऐसे समझो ना भाई। पानी के बिना तो नाव चलेगी नहीं और जब उसमें छेद हो जाएगा तो गड़बड़ी जब होती है जब हमारे इतने छेद हो जाते हैं ये इंद्रियां इतना अपने छेद बड़े कर लेती हैं कि सब माया मोह इतना भर जाता है कि उसको निकालने के लिए कई डॉक्टर इकट्ठा होते हैं। तो डॉक्टर माने हम लोग माया निकालने वाले जो हमारे अंदर से नहीं निकल रही तो हम आपके अंदर से कैसे निकालेंगे। तो भैया देखो सबसे बड़ी बात है सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। तो प्रेमियों विदुर जी महाराज चले बड़े पुण्य से मिले थे और कौरवों का पुण्य ले गए और प्रभाषक क्षेत्र में उद्धव जी से मिलते हुए वो मैत्रेय महामुनि से मिले। मैं ये थोड़ा सा गंभीर चैप्टर आ गए आगे। अभी तो बड़ी सुंदर कथा चल रही थी विदुर विदुरानी की आना। हाँ लेकिन लेकिन देखो भाई इसको भी सुनना पड़ेगा। भागवत यदि सुन रहे हैं तो थोड़ा तत्व सुनना पड़ेगा। मैत्रेय महामुनि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया है वो श्रीमद् भागवत का तत्व माना गया है। मैत्रेय महामुनि ने विदुर जी से कहा कि हे हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर मैं आपको वही परम तत्व का उपदेश देता हूँ। 5 मिनट में आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और चाहो तो मैं थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करा दूं तब इस बात को बताऊं। आइए। अरे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा से राधा सनकादिक महर्षियों को भगवान श्री सहस्त्र फणधारी श्री शेष ने यह उपदेश दिया था। प्रलयकालीन वेला में भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला कमल से ब्रह्मा निकले ब्रह्मा कमल कर्णिका पर बैठे श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। कालीन बेला की झकोरों से कमल की कली आंदोलित होने लगे। श्री बाबा सुंदर शाह जी महाराज की गद्दी से श्री महंत श्री सुंदरदास जी महाराज का पदार्पण। जोरदार ताली बजाइए। इसी में से एक सोफा मंच पे ही लगा देते ना यार। उसी में से एक सोफा उठा के मंच पे लगा देते ना। वो नीचे कहाँ लगा दिया था? हाँ मंच पे लगवा देते तो बढ़िया रहता थोड़ा अच्छा। लेकिन
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है उधर श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जगह पर तो जवानी दिखाई देनी चाहिए महाराज बिरादर है ना बड़े सौभाग्य से महाराज जी का पदार्पण हुआ एक बार जोरदार ताली से स्वागत महात्मा श्री मैत्रेय मुनि ने कहा इस धरती लोक में हाँ ठीक धरती लोक में साक्षात धर्मराज के अवतार महात्मा विदुर आपका जो पदार्पण हुआ है धरती लोक वासियों का सौभाग्य था और आपको उपदेश देकर भागवत तत्व का उपदेश देकर मैं अपने को धन्याति धन्य मानता हूं पाताल लोक में भगवान श्री शास्त्र फणधारी शेष ने जो उपदेश सनत कुमार सनक सनंदन और सनातन महर्षियों को दिया कम समय में वही मैं आपको देता हूं भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला कमल से ब्रह्मा निकले ये तृतीय स्कंध चल रहा है तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है हम आपको कल बता चुके पूरे श्रीमद् भागवत में 335 अध्यायों द्वादश स्कंध और 18 सहस्त्र श्लोकों में विभाजित है तो नाग कन्याएं अनवरत भगवान श्री शेष की सेवा कर रही थी मर्यादि उपहार चढ़ा रही थी और सनत कुमार महर्षि वहीं पर खड़े थे भगवान शेष ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया वही उपदेश महात्मा श्री विदुर मैं आपको देता हूं भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला उसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए प्रलय कालीन वायु से वो कमल आंदोलित वो कोई कमल किलो दो किलो का नहीं था वो महान दिव्य कमल था उसका व्यास बड़ा लंबा चौड़ा और केवल जल ही जल था और वहीं पर भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया जो चतुश्लोकी भागवत मैं अभी आपको सुना चुका हूं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यदसत् सत्परं पश्चादहं निदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यद् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्चावचस्सनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्मृतेस्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् वही अन्वय और व्यतिरेक की व्याख्या भी हो रही थी कि हे ब्रह्मा सरलता से मुझ परमात्मा को जानने के लिए तत्व जिज्ञासुओं को अन्वय और व्यतिरेक का सहारा लेना पड़ेगा खैर वो बात छोड़िए आगे ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि सामर्थ्य वर प्रदान किया सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक संकल्प से जैसे बर्फ का रंग होता है ना बर्फ ऐसे चार बालक पांच पांच बरस के बिल्कुल तेजस्वी प्रकट हुए जोर से बोलो सनकादिक महाराज की और चारों को यदि अलग अलग कर दिया जाए ना तो आप बता नहीं सकते जी कि कौन सनत कुमार है कौन सनातन है कौन सनंदन है चारों हाथ जोड़कर खड़े हुए पिताजी मेरे लिए क्या क्या है अरे ब्रह्मा जी बोले अभी तो बहुत छोटे हो ना भैया
वो देखने में छोटे हैं, लेकिन तुलसी बाबा से यदि पूछा जाए ना जी कि उनके गुण क्या है, तो तुलसी बाबा इनकी व्याख्या बढ़िया करते हैं कि रामा ब्रह्मा नंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद में सदा सर्वदा तल्लीन रहने वाले। अरे रामा श्यारमा, रामा ब्रह्मा नंद सदा लयलीना, रामा श्यारमा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े अनन्य सहयोगी एवं संरक्षक हमारे सोनू मिश्रा जी भी आना पहले चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी तो चार दिन है, अब नागा नहीं होगा। सतयुग बीत जाता है, त्रेता बीत जाता है, लेकिन ऐसे कैसे रहते। ब्रह्मा जी बोले अभी तो खेलो कूदो खाओ पियो, सब लोग बड़े बड़े हो जाओगे ना तो चारों का विवाह कर देंगे, तो तुम लोग अपना घर बसा लेना और सृष्टि बढ़ाना। चारों बालक बोले पिताजी हम तो जिस लिए आए ब्रह्मानंद में मग्न रहने के लिए आए, वही आनंद हमको चाहिए, ये विवाह विवाह पर नहीं करने वाले। ब्रह्मा जी बोले मेरे बेटे होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। सनत कुमार बोले कोई बात नहीं, मैं विवाह नहीं करने वाला। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध तो आ ही गया, लेकिन हमको हमारा आपका क्रोध आता है तो बहने लगता है निकल के बाहर बड़े जोर से। अब ब्रह्मा जी का क्रोध अगर बाहर बहने लगे तो समस्या हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को रोका। क्रोध का स्थान कहाँ है? ये बीचों बीच भ्रकुटी में। इसीलिए ऋषि महर्षि कहते थे चंदन लगाया करो बीच में, रोज दबाया करो इसको, है ना। क्रोध को दबाना अच्छी बात है, ये अधिक नहीं होने पाए। लेकिन अहिंसा परमो धर्म, क्रोध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म की हिंसा कोई करे, कोई धर्म का अपमान करे तो वहां क्रोध समाप्त नहीं होना चाहिए अंदर से, बिना क्रोध के काम नहीं चलेगा। लेकिन क्रोध अधिक नहीं, अनावश्यक क्रोध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने क्रोध को रोका। श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी बोले कि धिया निग्रह्य माणोपि, बहुत कम समय में मैं बताकर आगे चलता हूं। धिया निग्रह्य माणोपि भ्रोर मध्यात्, भ्रोर मध्यात माने भ्रुकुटी के बीच में अपने क्रोध को ब्रह्मा ने रोका। बोलो जय श्री हरि। ठीक है, धिया निग्रह्य माणोपि भ्रोर मध्यात प्रजापते, जब क्रोध को रोका तो सद्यो जाया, तो सद्यो माने एकाएक प्रकट हुआ कुमारो नील लोहिता, नीला नीला लोहे के रंग का मिश्रित रंग वाला वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ और रोने लगा वो जोर जोर से, रोने लगा वो। सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहिता सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के इसी अध्याय का श्लोक है, सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। वो बालक रोने लगा और बोला विधाता मेरा नाम तो रखो ना, मेरा नाम तो रखो, मैं कौन हूँ। मेरा आचार्य श्रीधर अपनी टीका में लिखते हैं, बालकानुकरणात् जन्मनः रोदितीतियः सह रुद्रः, बालक की नकल करके जन्म होते ही जो रोने लगा हो उसी को प्रजा रुद्र कहने लगी। बोलो रुद्र भगवान की, वो रोने लगे थे ना इसीलिए रुद्र हो गए। तो भागवत जी में रुद्र के 11 रूप और रुद्र की 11 पत्नियों का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। तेरे बेटा 11 रूप होंगे, गिनिए, मन्यु मनु महिनस महान। आप लोग सुनते तो हैं ना 11 रुद्र हैं, तो 11 रुद्र कौन कौन हैं गिनिए, मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्रेता भव काल वामदेव, कितने हुए? 10 हुए। हाँ तब तो आपने गिना, एक बचा लिया था हमने। धृतव्रत मन्युर मनुर महिनसो महान शिव ऋतध्वज, ये रूप ब्रह्मा जी ने दिया, ध्यान दीजिएगा। उग्रेता भव कालो वामदेव धृतव्रत, ये तेरे 11 रूप और तेरी 11 पत्नियां धी वृत्ति उसना उमा नित्यु सर्प इलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणी रुद्र ते स्त्रियः।
ये रुद्र तेरी पत्नियां, ठीक है, 11 रुद्र 11 पत्नियां, इनकी सृष्टि हुई तो भैया, लेकिन इतनी भयंकर हुई कि प्रजा भागी सब, चारों तरफ त्राह त्राह मची। ब्रह्मा जी बोले जाओ तपस्या करने वन में चले जाओ। तो किसी ने कहा तो वन तो पहले था ही नहीं, तो बोले भाई जल अमरकोश के पाताल भोग वर्ग में जल को भी वन कहते हैं। रामचरितमानस पाठ आप करते होंगे, उसमें गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा थोड़े, बांध्यो वन निधि, समुद्र को क्या कहा, क्या कहा, वन निधि। तो समुद्र जंगल का भंडार थोड़े, समुद्र तो जल का भंडार है। तो जीवनम भुवनम वनम, जल की पर्यायवाची में सलिल है, तोय है, नीर है, जीवन है, भुवन है और वन है, वन भी जल का पर्याय है। तो वो जल में ही तप करने चले गए रुद्र। इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक संकल्प से 10 ऋषियों का प्राकट्य हुआ। प्रेम उन्हीं के संतान हम आप लोग हैं, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु। ये इस अध्याय का नाम ही सृष्टि क्रम वर्णन है, ये सृष्टि का वर्णन इस अध्याय में। मरीच रत्रंगिर सौ पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। भैया मरीच नेत्र से प्रकट हुए, अंगिरा मरीच अत्र मरीच रत्रंगिरा अत्रि अंगिरा पुलस्त, पुलस्त को आप जानते हैं रावण के दादा, पुलह क्रतु भृगु प्राण से भृगु प्राणाद प्राण से वशिष्ठ प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, ये 10 बेटे प्रकट हुए। अब इनमें से तमाम का विवाह तो देवहूति जी की 9 कन्याओं के साथ हुआ, ठीक है, वो तो बाद में भी 2 मिनट बाद में बताएंगे जरूर, 2 मिनट है ना। और 6 बजे से आगे हम कथा कहेंगे नहीं, कहते भी नहीं 6 बजे से। आज 5 मिनट महाराज जी भी आशीर्वाद देंगे, भैया 6 बजने में 5 मिनट कम रहेगा तो इसे हम छोड़ देंगे। अब महाराज जी 5 मिनट आशीर्वाद दें, 10 दें 15 दें, उसमें कोई बंधन नहीं। अरे हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। इसी क्रम में भगवती शारदा का प्राकट्य होता है। भगवती शारदा का स्वरूप इतना सुंदर है कि ग्रंथकार कहते हैं कि श्री ब्रह्मदेव शारदा के सरस्वती के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गए। देवताओं ने इनकी जब निंदा की तो ब्रह्मदेव ने वो अपना शरीर त्याग दिया। शरीर जब त्याग दिया तो 2 टुकड़ों में शरीर विभक्त हुआ। वो ऊपर वाला जो टुकड़ा था, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो पुरुष बन गया, नीचे वाला हिस्सा स्त्री बन गया। पुरुष जो था उसका नाम पड़ा स्वयंभू मनु, ठीक है, और स्त्री का सतरूपा, है ना, ये तो आप जानते हैं, स्वयंभू मनु और सतरूपा। हम आप मनु के संतान हैं, इसलिए हमको आपको क्या कहा जाता है, मनुष्य मानव। अगर हमको कोई आदमी कहता है तो हम कहते भाई मैं आदमी नहीं हूं, आदमी तो आदम के संतान को कहते हैं। यदि आप अपने पूर्वज को आदम मानते हैं तो आप आदमी हैं, यदि आप अपने पूर्वज को मनु मानते हैं तो आप मनुष्य हैं। आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, मनु की हम लोग संतान हैं इसलिए हम मनुष्य हैं। हमारी मानव संस्कृति है, मनु की संतान है। उनकी पत्नी सतरूपा थी और मनु के 2 बेटे थे, उत्तानपाद बड़े और प्रेव्रत छोटे, और 3 बेटियां थी, आकूति देवहूति और प्रसूति। आकूति के पुत्र भगवान यज्ञ हुए जो प्रजापति रुचि की पत्नी है। ये तो सुनना पड़ेगा 10 मिनट भाई, नहीं तो भागवत का क्रम बिगड़ जाएगा। देखो हम वो नहीं सुनाते जो पूरी तरह जनता चाहे 100%, हम वो सुनाते हैं जो ग्रंथ कहता है, और आपके चाहने वाला भी सुनाते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, हम मर्यादा रूप नहीं बिगाड़ते। आइए इसको सुनना तो पड़ेगा 2 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और ये आवश्यक जानकारी है सभी हिंदू समाज को, सभी सनातन धर्मियों को, अपने ग्रंथों का, अपने इतिहास को, अपने इन ग्रंथों के तत्व को थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। महाराज मनु की 3 कन्याएं आकूति,
देवहूति और प्रसूति आकूति प्रजापति रुचि की पत्नी जिनके पुत्र हुए, बोलो यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान जिन आकूति के पुत्र हुए, और प्रसूति के बारे में आप लोग जानती हैं, प्रजापति दक्ष की पत्नी जिनकी 16 कन्याएं थी, 16 कन्याओं में एक कन्या माता सती थी जो भगवान शंकर की पत्नी थी, अपने पिता के यज्ञ में जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, भगवान श्री महादेव ने कंधे पर रख करके माता सती के मरे हुए शरीर को फिर तांडव नृत्य किया। और स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन आया है, श्री नारायण ने अपने चक्र से माता सती के अंग और आभूषणों के 52 टुकड़े किए जो 52 स्थानों पर गिरे। कभी बताऊंगा, अभी समय नहीं, 52 कौन कौन जगह है और 52 शक्तिपीठ सिद्धपीठ कौन कौन से हैं। ये महारानी प्रसूति का की कन्याओं का वंश। और देवहूति जो है उनकी 9 कन्याएं थी और एक बेटा था। पुत्र जो थे वो श्री महात्मा करदम जी महाराज, जो भगवान के 24 अवतारों में 5वां अवतार, बोलो वो कपिल देव भगवान, जो भगवान के 24 अवतारों में 5वां अवतार, बोलो कपिल देव भगवान की। जो करदम होता है उसी के कपिल होते। करदम माने इंद्रियों का दमन करने वाला, पूरी तरह से इंद्रियों के बस में न रहने वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला करदम। और ये छठवी भक्ति भी है, छठ तमसील। भगवान राम ने सबरी माता से कहा था, माता यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का दमन कर ले जाता है 3 घंटा भागवत कथा में, यदि इसकी जीभ रजनीगंधा न खाए तो मानो मेरी भक्ति। 3 घंटे की कथा में यदि मोबाइल साइलेंट करके जेब में डाल के यदि ये कथा सुने, ये कोई भक्ति से कम है? किसी व्रत से कम नहीं है। आजकल यदि 1 घंटा भी मोबाइल छोड़ देना तो फिर मान लीजिए वो किसी व्रत से कम नहीं है। इंद्रियों का दमन भी प्रभु की भक्ति है। भगवान श्री राम ने माता सती को छठ तमसील निरति बहु करमा निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ तमसील तमसील। किस कंधा कांड की चौपाई है? छठ तमसील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। तमसील ऐसी करदम और देवहूति की पहले तो 9 कन्याएं हो गई प्रेमियों, है ना। करदम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र का जन्म होगा तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर आगे चला जाऊंगा। पहले लोग कन्याएं चाहते थे, पहले चाहते थे मेरे घर में बेटी का जन्म हो। जिनके जिनके घर में प्रेमी और बेटी का जन्म हुआ उनके घर में नगाड़े बजे, जनक के घर में हुआ तो नगाड़े बजे, हिमांचल के घर में पार्वती का जन्म हुआ तो ढोल नगाड़े बजे, उत्सव मनाए गए। आजकल किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। बोलो जय। इसके कई कारण, इसके कारण की व्याख्या करना अभी आवश्यक नहीं है, लेकिन आजकल जो उसमें कई कारण है वो चलिए छोड़िए, वो सब कारण आप लोग जानते हैं। इस पे समाज को चर्चा करनी चाहिए, अकेले भरत व्यास जी के चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। और भैया बेटा तो हुआ नहीं, करदम जी के 9 कन्याएं हो गई, देवहूति बोलिए। अब सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ी साधुता यही है कि ये 9 बेटियां हैं, इनकी शादी, इनका विवाह करो, तब फिर जंगल जाना, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी कायरता है। पहले शादी कर लिया, फिर बेटा बड़ा हो गया, फिर बेटी शादी के लायक हो गई, आश्रम भाग गए। पहले चले गए होते जी, 9 का विवाह करो। 9 कन्याएं कौन कौन, अभी जानकर आप लोग उछल पड़ेंगे। ये करदम और देवहूति की, महाराज कपिल देव की 9 बहनें कौन कौन है? मरीचये कलाम प्रादात, मरीच नाम के ऋषि का विवाह कला नाम की कन्या के साथ किया। 9 को सुनिए। मरीचे कलाम प्रादाद अनसुया मथात्रे, सती अनसुया का नाम सब माताएं जानती हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए किनकी बेटी थी, वो कपिल देव जी की बड़ी बहन है। अनसुया नाम की कन्या का विवाह अत्रि महात्मा के साथ में किया, जिनके वंश में आगे चलकर चंद्रमा हुए। चंद्रवंश के जन्मदाता अत्रि वो महारानी अनसुया का वंश है।
अनसुया मथात्रये श्रद्धा अंगिरसे यच्छत। अंगिरा नाम के ऋषि के साथ श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह कर दिया। और पुलस्त्य आए हबिरभुम, हबिरभु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। उसी हबिरभु और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा का पुत्र रावण हुआ, मतलब रावण की दादी थी हबिरभु। हबिरभु पुलस्त्य आए हबिरभु पुलहाय गतिम युक्ता, गति नाम की कन्या का विवाह, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह नाम के ऋषि के साथ कर दिया। अक्रतु नाम के ऋषि के साथ में क्रिया नाम की कन्या का विवाह कर दिया। और एक कन्या जो है ना वो हमारे राम जी की गुरु माता, बोलो अरुंधति मैया की, ये गुरु वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। उत्तर रामचरितम में एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, श्री सरकार जब बन जा रहे थे तो जोर जोर से अरुंधति अयोध्या के चौराहे पर खड़ी होकर रोने लगी थी, प्रभु ये अयोध्या छोड़कर मैं चली जाऊंगी क्योंकि मेरे प्रभु बन जा रहे हैं। ऐसी श्री अरुंधति महारानी राम की गुरु माता, हमारे अयोध्या नगरी की पूजनीय अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी, वशिष्ठ आया अरुंधति। और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्व नाम के ऋषि के साथ कर दिया। अथर्वणे तदा शांतिम यया यज्ञो वितन्नते, नौ कन्याओं का विवाह हो गया भैया। ये करदम की जो नौ कन्याएं हैं ना, आज के लोगों के यहां हो जाए तो नौ मुसीबत हो जाएंगी, लेकिन करदम के लिए क्या हुई, नवधा भगति। अरे कहूं तो ही पाही, भगवान श्री राम ने माता सबरी के प्रति जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, ये नौ कन्याएं करदम की नवधा भक्ति है। नौ कन्याओं का विवाह कर दिया, दसवीं संतान के रूप में हुए कपिल देव महाराज। करदम जी ने कमंडल उठाया, भागे, कहां भागे, जंगल। अरे वाह वाह रे रे मौज फकीरा, वाह वाह रे रे मौज फकीरा, ये फकीरा तो चनारे चबेना, चबावे वो तो चनारे चबेना, कभी लपट ले खीरा दी, 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 बहरे मौज फकीरा दी, बहरे मौज फकीरा दी, बहरे मौज फकीरा, कभी तो ओढ़े साला दुसाला, कभी तो ओढ़े साला दुसाला, कभी तो ओढ़े साला दुसाला, ओढ़े साला दुसाला, कभी गुदड़िया ली रादी, कभी गुदड़िया ली रादी, याद आ गया तो सुना दिए, वाह वाह रे मौज फकीरा था। जो याद आएगा सुना दूंगा, कोई गारंटी नहीं कि क्या याद आएगा। करदम जी, ये बहुत मनोरंजन का विषय नहीं है, मैं बहुत गंभीर प्रसंग में हूं। करदम जी बन चले गए, देवहूति रोने लगी। महात्मा श्री कपिल देव बोले, माता क्यों रो रही हो? देवहूति बोले, पुत्र इन इन इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं थक गई हूं, बलवान इंद्रिय कामों विद्वान समाप्त कर सके, ये इंद्रियां इतनी बलवान है बेटा, ये तृप्त होती नहीं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो। एक मां अपने बेटे से कह रही है, आजकल तो बेटे को समझाते समझाते परेशान, पूरा घर भर समझाए समझता ही नहीं,
लेकिन माता देवहूति आज अपने पुत्र से उपदेश की कामना करती है। अपने पुत्र को एक चबूतरे पर बिठाया जो सदैव अभी अल्प अल्प आयु वाले श्री कपिल देव महाराज सुखदेव स्वामी बोले, राजन थोड़ा नेत्र बंद करो, ये भगवान के दिव्य रूप की झांकी देखो, एक चबूतरे पर बैठे हैं माता देवहूति विनीत भाव में। हाथ जोड़कर कुश की चटाई लेकर नीचे बैठी। कपिल देव बोले, माता सबसे पहले स्वरूप ज्ञान के लिए मैं आपको भक्ति योग का वर्णन करता हूं। इस प्रसंग की 10 मिनट हम व्याख्या करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मनु महाराज के पुत्रों के वंश में चलना होगा। कपिल देव भगवान बोले, माता संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्, चिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्, वज्रांकुशध्वज शरीरुः लाङ्छनाढ्यम्। माता भगवान के चरणारविंद का स्मरण करो भक्ति योग में। भैया कितने भी ज्ञानी हो ना, भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। कपिल देव महाराज सांख्य शास्त्र के आचार्य थे, हाँ, लेकिन माता से बोले, माता भक्ति के बिना कल्याण नहीं है, इसलिए सबसे पहले संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। उस चरणारविंद में क्या है? वज्रांकुशध्वज शरीरुः लाञ्छनाढ्यम्, जिसमें वज्र अंकुश कमल आदि के चिन्ह है। माता फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो। माता फिर हाशम हरेर वनता खिल लोकपाल, भगवान की मंद मंद मुस्कुराहट वाले मुखमंडल का स्मरण करो। ये भक्ति योग बताया। इसके बाद में सांख्य योग बताया। क्षमा करिएगा, समय नहीं है। सांख्य का अर्थ संख्या से है। बोले, हे माता, इसमें 24 तत्व है, 24। ये 24 का बड़ा गजब का तालमेल है। हमारे भगवान के 24 अवतार, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, ब्रह्मांड में 24 तत्व, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, ये 24 का बड़ा गजब का तालमेल है भाई। तो माता बोले, 24 तत्व है, जरा गिनिए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 क्षित जल पावक गगन समीर, 15 रस, पंच तन्मात्राएं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, पंच तन्मात्राएं, 15, 5, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सांख्य की व्याख्या, सांख्य शास्त्र की व्याख्या माता से संक्षिप्त में भगवान कपिल देव अपनी माता से कर रहे हैं। माता, इन 24 तत्वों से विराट पिंड बना, एक अंड बना, वो बरसों बरसों हजारों बरसों तक जल में सोया रहा। भगवान वासुदेव ने वाक शक्ति से, ग्राण शक्ति से, अन्यान्य अपनी शक्तियों से उसमें प्रवेश किया तो विराट पुरुष उठ खड़ा हुआ और विराट नारायण भगवान की। एक बात कहूं आपसे, शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त जो है इसी विराट पुरुष की स्तुति करता है। हरे ओम सहस्रपादे। ऐसे विराट पुरुष का स्वरूप ज्ञान के लिए स्मरण करो माता। भगवान सुखदेव स्वामी ने भी राजा परीक्षित को पाताल में तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्थिव प्रपदे रसातलम् द्वितीय स्कंध में, तलातलम् वै पुरुषस्य जंघे, जीव को नित्य अपने चित्त में ऐसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए माता, नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये पापी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पाप का आश्रय लेकर पेट भरने वाला ये ज्ञानी जीव माता, कपिल देव जी बोले, ये सोचता है कि मेरे बेटे के जैसा किसी का बेटा नहीं। महाराज जी आ जाए, कोई घर पे पधराव नहीं करे तो महाराज जी घर पे आवे तो इनसे पूछिए कि आत्म कल्याण कैसे होगा, ये नहीं पूछते। करते क्या महाराज, अभी मेरा बेटा 99% 98% निकला, टॉप किया स्कूल में, सगाई वाले आए थे तो इसकी मम्मी बोले स्कॉर्पियो दें तो करेंगे। महाराज जी से क्या मतलब है? तब तक लड़के की मौसी बोले, नहीं 15 लाख नगद से तो कम में भाई कोई बात नहीं बनेगी। वही वाला हाल हुआ कि एक बहुत बड़े सेठ ने 5 मंजिल का मकान बनाया। महात्मा जी आए तो बोले, ये धारणा है कि चरण रख दें। अरे महाराज जी के चरण रखने से घर पवित्र होगा, थोड़ा अपने आचरण भी पवित्र करें।
पहली मंजिल में महाराज जी गए तो सेठ बोला महाराज इसमें मेरे नौकर चाकर पड़े रहते हैं। महात्मा जी बहुत परम त्यागी थे। दूसरी मंजिल में गया बोले महाराज इसमें मेरे नातेदार रिश्तेदार पड़े रहते हैं। अच्छा 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 और है ऊपर? बोले महाराज बहुत है, चलते रहो। सीढ़ी चढ़ते चलो, सीढ़ी चढ़ते गए। बोले महाराज इसमें तीसरी मंजिल है, इसमें मेरे परिवार के लोग पड़े रहते हैं। ये महाराज जी मेरी चौथी मंजिल है, इसमें मेरे कागज पत्र सामान टेबल मेज कुर्सी फर्नीचर ये सब पड़ा रहता है। सबसे ऊपर पांचवी मंजिल पर ले गया, बोले महाराज इसमें मैं पड़ा रहता हूँ। आप बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी ने कहा इससे और ऊपर जाओगे ना तो सब पड़ा रह जाएगा। बोलो कपिल भगवान बोले माता ये अंधा जी आत्म जाया सुतागार, वो साफ साफ लिखा है। ये माया के खूंटे जानते हो कितने खूंटे? बड़े मोटे मोटे खूंटे। उसी खूंटे में ये मन की डोरी मोटी मोटी बरी हुई बांधी रहती है। अब सरल करके बताना पड़ेगा ना, भागवत है ना जी। राम कथा तो अपने मन से हम सुनाते रहते हैं, भागवत जैसे शंभू सिंह भैया जैसा कोई करवाता है तब करते। अपने मन से हम राम कथा करते हैं, अयोध्या वाले हैं ना। ब्रजभूमि में भी हमने राम कथा सुनाई, भागवत कथा सुनाई, हमने पुष्कर में भी सुनाई है, हमने भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट के सामने दो भागवत सुनाई, वहां आप नहीं थे। अब तीसरी भागवत होने वाली है कुछ समय बाद, तो हम चाहेंगे कि हम आप सबको आमंत्रित करें, जिनको बद्री विशाल बुलाएंगे वो चले। माया के खूंटे की रामा जननी जनक बंधु सुत तारा, रामा जननी जनक बंधु सुत तारा, इतने से काम नहीं चलेगा। रामा सब कर ममता, रामा सब कर ममता ताग बटोरी, रामा रामा मम पग मन ही बांध पर डोरी। रामा एक माया के खूंटे में एक डोरी बंधी है, दूसरे माया के खूंटे में दूसरी डोरी, और दसों डोरी इकट्ठा करके जब मोटा रस्सा बना लिया जाएगा ना, तो भगवान कहते हैं इसको खूंटा में मत बांध, इसको मेरे पैर में बांध दे, मैं तुझे घसीटता हुआ बैतरणी पार कराता हुआ अपनी तरफ ले चलूंगा। मम पद मना ही बांध पर, पहले बर इसको, बरना जानते हो नहीं, किसान है रसरी बरना, बांध बर डोरी, पहले इसको बर और रसरी बना। गोस्वामी जी बड़े बड़े महानगरों में शहरों में भी घुसे थे और देहात से देहात में भी घुसे। कपिल भगवान बोले माता इस अंधे जीव को देखो, आत्म जाया सुतागार, सुतागार माने पुत्र और आगार माने घर, इसका घर जैसा कोई घर नहीं, पशु द्रविड़ बंधु सु। अभी 70,000 की गाय लाए, इंडियन गाय नहीं लाए, होलिस्टन लाए, फिजियन थोड़ी इंडियन भी लाइए, भारतीय गाय भी लाइए, दरवाजे पे बांधिए। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते संतहीयमान सर्वांग ऐसा मद बहनाधिना करोत्ति विरतम्। इन्हीं इन्हीं गाय भैंस के लिए, इसी बेटे के लिए, इसी घर के लिए, इसी पत्नी के गहने के लिए और अपना रुतबा दिखाने के लिए, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को महंगा पढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये पाप करता है माता। करोत्ति विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशया, बड़ा सुंदर श्लोक है। और फिर क्या होता है जानते हो? बुद्धि हो जाती है नष्ट। 60 साल का हो जाता है तो कुत्ता पालता है माता, कुत्ते को बिस्तर पे लेके सोता है। कपिल देव जी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। रिटायर होने के बाद कुत्ता पाल लेते, उसकी राल गिरती रहती है, जहां हम लोग बैठ नहीं सकते घर में, रैबीज घुस जाएगा। रैबीज खाली काटने से नहीं होता, चाटने से। तुलसी ओछे नरक की तजो बैर और प्रीत, गोस्वामी जी ने क्यों कहा कि काटे चाटे, चाटने से क्या बुरा, रैबीज घुस जाता है। वो वैज्ञानिक थे गोस्वामी जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आपको यह मालूम होगा कि कुत्ता काट ले तो रैबीज का इंजेक्शन लगता है, चाटने से भी लगना चाहिए। माता ये जवानी बीत गई, खत्म हो गई कहानी। सूखी के गाल ए भये खपड़ा, याद कर लेना इसको ना, ठीक है? फेयर एंड लवली नहीं काम आएगी। आओ, सूखी के गाल और भये खपड़ा,
चिकना तो न तेल के चिकना, ये बड़ा बढ़िया छंद है। अब आँखी गई धंसी भीतर को और चौभरी ऊपर को उठ धाए कि गाल भये बिन दातन के और नर नार न मोहत पान चबाए। बूढ़ भये रसिया पछतात कि हाय कहाँ अब ये दिन आए। रे बूढ़ भये रसिया, जो रसिया है वो पछताते हैं सब नहीं, कोई गोदरेज की मेहंदी लाता है तो कोई कुछ लाता है तो कोई ब्लैक करता है, आजकल तो बाल को सफेद करने का भी फैशन चल गया, आधा काला आधा सफेद। हाँ यही सब करते करते देखिए हमारे खाकी सरन जी को लोग कहते हैं 85 साल के, रिटायर हुए 2 साल हो गए। अपने शरीर को थोड़ा भैया मेंटेन रखो, थोड़ा सा मेहनत किया करो, खान पान सही रखो, ये भी भगवान की सेवा है, क्योंकि एक शरीर मंदिर है ना, ये भी तो मंदिर है। मंदिर में आप लोग क्या चढ़ाते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, और ये भगवान ने जो मंदिर बनाया इसमें क्या चढ़ाते हैं, गुटखा सिगरेट दारू। कितना बढ़िया मंदिर की सेवा आपने की, और जो मंदिर की सेवा ठीक से करेगा उसका मंदिर ठीक रहेगा, नहीं ये भी मंदिर बिगड़ जाएगा भाई। आइए माता, ये जीव वृद्धावस्था की कपिल देव भगवान उपदेश दे रहे अपनी माता को, ये मैं कहीं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूं। कंठम घुरघुरायते लिखा है, कंठ घुर घुर करता है, और यमराज के दूत उसके फांसी के फंदे से सूक्ष्म शरीर निकाल कर ले चलते हैं और कसया चाडिता कोड़ा मारते हुए चलते हैं। योजना नाम सहस्त्राणि नवतिम नवचाध्वना, कपिल देव भगवान बोले जैसे सूर्य की दूरी चंद्रमा की दूरी सब लिखी है ना, गूगल पे डालो आ जाएगी। भागवत में ये लिखा है कि धरती लोक से नरक लोक यम लोक कितनी दूर है, योजना नाम सहस्त्राणि नवतिम नव 99,000 योजन की दूरी तय करता हुआ ये जीव पहुंचता है। माता यमराज इसे नरक में डाल देते हैं, फिर ये जन्म लेता है, इसी तरह आवागमन के चक्र में लगा रहता है, और जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जो परमात्मा का दर्शन करके मुक्ति स्वरूप हो जाता है माता, और एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री, ऐसा सुन करके भगवान कपिल देव की वाणी उनकी माता देवहूति विसरस्त मोह पटलात महिप्रणम में तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमि। देवहूति माता, हे पुत्र, हे महाराज, आपके उपदेश से आज मैं धन्य धन्य हो गई। ऐसा कहती हुई सिद्धिदा नाम की नदी बनकर बहती सिद्धों के लोक को चली गई। बोलो कपिल देव भगवान की। कन्याओं का वंश वर्णन कर दिया मैंने राजन, प्रसूति की 16 कन्याएं, आकूति के प्रजापति रुचि से भगवान यज्ञ, और देवहूति की 9 कन्याएं, उनके 10वें पुत्र कपिल देव भगवान। राजन अब मैं तुमसे स्वयंभू मनु के पुत्रों का वंश वर्णन करता हूं, दो बार भगवान नाम उच्चारण। अरे जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अभी मैंने जो आपसे स्वयंभू मनु की चर्चा की, जिनके हम आप पुत्र हैं, मनुष्य मनु के नाम से हमको कहा जाता है, मनु 14 हैं भागवत में, वो 14 मनु की व्याख्या मैं अष्टम स्कंध के प्रारंभ में करूंगा। मनु महाराज के 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुच और सुनीत। ये सुरुच और सुनीत, सुरुच माने अपनी रुचि और सुनीत माने जो नीति कहती है उस पर चलना। नीति कहती है कि आपकी गाड़ी यदि ज्यादा भागने वाली है तो उसमें ब्रेक भी ज्यादा तेज लगने वाला होना चाहिए, लेकिन आपकी सुरुच क्या कहती है, ब्रेक लगे चाहे ना लगे गाड़ी भागे जरूर। एक मोटरसाइकिल वाला बड़े जोर से आ रहा था तो पुलिस वाले ने डंडा पटकाए, रुक, 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 रुक,
रुक लाइट बुझी हुई है तेरी वो, और रात में जा रहा है मोटरसाइकिल वाला, बोला लाइट तो तुम्हें दिख रही है और सामने से तुम भी हट जाओ, ब्रेक भी नहीं है, ऐसा समाज। हाँ बोला ब्रेको नहीं है, भगाओ, ये तुम्हारा डंडा उंडा काम नहीं आने वाला, ऐसा समाज हो गया है। ये सुरुच के माया जाल में, सुरुच के मकर जाल में, ये नए नए पंथ, नए नए धर्म, नए नए देवता, नई नई देवी, नया नया मजहब, ये नई नई परंपराएं जो आप लोग रोज पैदा कर रहे हैं, ये सुरुच का ही मकर जाल है। महाराज जी बताएंगे, चलिए वहां दर्शन करिए। ये प्राचीन गद्दी है, गुरुदेव नानक जी महाराज की परंपरा है, ये भी वैष्णव परंपरा है। ऋषि महर्षियों ने बताया, आप भूत प्रेतों की पूजा फिर क्यों करते हैं? आप कब्रिस्तान क्यों पूछते हैं? बजरंग बली 100 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर पूरे विश्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले, कल कल छल छल करती हुई गंगा का एक बूंद पानी मुक्ति देने वाला, आप क्यों मजारों को पूछते? आप क्यों मनमुखी देवताओं को पूछते? क्योंकि सूरज के माया जाल से आप जकड़े, और उत्तानपाद बेचारा भी वही जकड़ा हुआ है। तभी तभी तो सुनीत की उपेक्षा, सुनीत माने नीति, नीति जो कहती है उसके आधार पर तो कथा सुनना भी बड़ा कठिन है, तो उत्तानपाद जकड़ा क्यों ना हो? उत्तानपाद का अर्थ ही यही होता है, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर, जिसका पैर ऊपर है तो निश्चित है खोपड़ी नीचे की तरफ होगी। ऐसा कौन होता है? ऐसे आप लोग सभी लोग थे कुछ दिन, पैर ऊपर किए थे, सर नीचे लटकाए थे। कब लटकाए थे आपको याद नहीं है? याद नहीं है, भूल गए? 9 महीने तक लटके थे। मां के गर्भ में बच्चा ऐसे लटका होता है, पैर उसका ऊपर होता है, सर उसका नीचे होता है, और प्रभु से प्रार्थना करता है, सोहम बसन नपि विभो बहु दुख वासम। उसको पूर्व जन्म याद आता है मां के गर्भ में, और संसार में जैसे जन्म हुआ ना तैसे कोई बोला रे 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 उनका बेटा हुआ, कोई बोला उनका भाई है, कोई बोला अरे बोले यहां तो मेरा सब कोई सब कुछ है, बस गोस्वामी जी को मिल गया मौका। तो कहा भूमि परत बाबर पानी, भूमि परत बाबर पानी, भूमि परत बाबर जनु जीव ही माया लपटानी, जीव ही जनु जीव ही माया लपटानी, जनु जीव ही माया लपटानी, लिपट जाती है ना तो ये सब भूल जाता है। यही उत्तानपाद है, ये सुरुच को ही चुनता है। और एक चीज नोट कर लीजिए, सुरुच के घर में कभी ध्रुव का जन्म नहीं हो सकता। जिस नारी के घर में ध्रुव का जन्म होता है वो उधर झोपड़ी में रहती है, क्योंकि सुनीत की और सुरुच की तो कभी बनेगी नहीं। भाई साहब बोलो जय श्री हरि। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी सती माता सुनीत के गले से लिपट गए। ए माता जी, ए माँ,
वो मेरे पिताजी कहाँ है? कल मेरे खेलने वाले बच्चे साथ में बोले मेरे पिताजी कपड़ा लाए, कोई बोला मेरे पिताजी मिठाई लाए, कोई बोला मेरे पिताजी खिलौना लाए। अरे मेरे पिता कहाँ है? सुनीत बोली बेटे तेरे पिता वही भगवान श्री नारायण है। ध्रुव जी बोले माता हम बच्चों को इन ज्ञान की बातों से कोई आनंद नहीं आने वाला। संसार में जो वो पिता तो हमको मिठाई ला के नहीं देता, ये यहाँ वाला पिता कौन है? सुनीत बोली बच्चे वो हवेली तेरे पिता की है, तू राजपुत्र है लेकिन वहां जाना मत। ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए चले, द्वारपालों ने मार्ग छोड़ दिया और उत्तानपाद की गोद में वही सुनीत का सुरुच का बेटा उत्तम बैठा था। एकदा सुरुचे पुत्रम जाए उत्तानपादस्य सुखदेव स्वामी बोले राजन उत्तानपाद की दो रानियां थी कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि ही प्रेयसी पत्युर नेतरो ततसुतो ध्रुव। एकदा सुरुचि एक बार की बात है सुरुचि पुत्र मंगकमारोप्य सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर लालयन मन दुलार प्यार कर रहे थे। इतने में ध्रुव जी महाराज भी पहुंच गए। इतनी चीजें आप ही लोग कहते हैं छुपती नहीं। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान अपना ही रक्त था उबाल मारने लगा। ध्रुव जी ने भी सोचा पहली बार पिताजी को देखा तो लाओ कम से कम गोद में तो बैठ ले। गोद में चढ़ने लगे, आधा चढ़ गए थे तब तक दाहिना हाथ मजबूती से पकड़ के पीछे से किसी ने खींचा। नादान बालक इन दासियों के बेटों को देखो रे कितने साहसी हैं, राजा की गोद में बैठ रहे हैं। दांत पीसती हुई लाल लाल आंखें किए एक सुंदर स्त्री ध्रुव जी ने जब मुड़कर देखा तो एक खड़ी थी। शायद यही है वो जिसके बारे में मेरी माता सुनीति कहा करती हैं, बेटा तेरी दूसरी माँ भी वहां है। ध्रुव जी राजा के पुत्र थे, प्रश्न कर बैठे क्यों इस गोद में मैं नहीं चढ़ सकता, ये मेरे भी पिता हैं। सुरुचि बोली बच्चे मैं जानती हूँ तेरा बाप है लेकिन ये भी सही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ध्रुव जी बोले क्या इनका इस गोद में चढ़ने के लिए इनका पिता होना और आपका माँ होना भी आवश्यक है? सुरुचि बोली क्या बताऊं रे बालो सिबत बच्चा है तू सारी बातें नहीं समझेगा। नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संप्रतम बालो सिबत तू बच्चा है ये बात समझेगा नहीं, तू दूसरी की स्त्री दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया हुआ बालक है। यदि तू इस गोद में चढ़ना चाहता है इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो एक काम कर तपस्या आराध्य पुरुषम वन में चला जा नारायण की तपस्या कर और उनसे वरदान मांग कि मुझे सुरुच का बेटा बना दो। सुरुच का बेटा बन जाएगा बच्चे तो इस सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाएगा। ध्रुव जी बोले माता मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, आधा मार्गदर्शन तो तूने बहुत अच्छा किया, मैं वन जरूर जाऊंगा और नारायण की आराधना अवश्य करूंगा लेकिन आधा वाला जो तूने कहा ना कि तेरे गर्भ से पैदा हूं ये वरदान यदि नारायण मेरे सामने कभी प्रकट हो जाए तो ऐसी नारी के गर्भ से जन्म लेने के लिए मैं कभी वरदान नहीं मांगूंगा और इसी जन्म में ये सिंहासन छीन कर दिखाऊंगा। यदि मैंने एक तपस्विनी नारी का दूध पिया है तो वह कोमल संतों ने कहा आंखों से आंसू बहने लगे शांत हृदय वाला वह कोमल शांत हृदय वाला यह चोट हृदय में सह ना सका। ओ कोमल शांत हृदय वो कोमल शांत हृदय
बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं मेरी छोटी माँ, लेकिन ये उत्तान पाद का और स्वयं भुवनु का पात्र और जो रोज गुरुदेव नारद से कथा अमृत का पान करती हो और नारद महाराज जिनके गुरु हूं, यदि मुझे संस्कार मिला है एक, यदि मैंने तपस्विनी नारी का एक बूंद भी दूध पिया है तो सुरुच नाम की मेरी छोटी माता तू गांठ बांध ले, तेरी एक एक बातों का अगर मैंने बदला न ले लिया ना तो मैं इस स्वयंभू मनु के वंश में जन्मा हुआ छत्री का बालक नहीं। मातु सपत्ना, सुखदेव स्वामी अपनी भाषा में राजा परीक्षित से बोले, राजा मातु सपत्ना सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिसंतं पितरं सन्निवाचं जगाम मातु प्ररुदं सकासं। अपनी विमाता के कड़वे वचन से चोट खाए हुए जैसे सांप को डंडे से फाड़ पे मार देना तो फुफकार है। ओजस्वी प्रखर बुद्धि वाले महात्मा ध्रुव जी महाराज अपनी माता के गले से लिपट के रोने लगे। माता जी बोली, अब समझ गया ना बच्चे तू कि मैं क्यों मना कर रही थी कि तेरे इस संसार वाले बाप से नहीं मिलना, क्यों? ध्रुव जी बोले, हमसे प्रश्न तुम मत करना, ठीक है? ये तुम्हारे प्रश्न करने का समय समाप्त हो गया माता, अब ये ध्रुव तुमसे प्रश्न कर रहा है। आज तक जो अपना दूध पिला पिला के मेरा पेट भरी हो ना, आज तक तुमसे मैंने कुछ नहीं पूछा, आज पूछने जा रहा हूं। कौन सी ऐसी अच्छाई, कौन सा ऐसा गुण महलों में रहने वाली उस सुरुच के भीतर है माता जो तेरे अंदर नहीं है, ये मेरा पहला प्रश्न। और कौन सी ऐसी बुराई तेरे भीतर है जो महलों में रहने वाली सूरज के भीतर नहीं है? यदि ऐसा नहीं है तो ये भेदभाव क्यों? और यदि ये भेदभाव है तो यदि तूने मुझे दूध पिलाया है ना, एक एक बातों का गिन गिन कर बदला ले लूंगा, तभी तेरे दूध का कर्ज उतरेगा, नहीं तो नहीं। सुनो सुनो, इतने जल्दी मुंह बंद कर, चुप चुप चुप। तू तो साधु है रे, महात्मा है, महात्मा किसी से बदला नहीं लेते बेटा। कोई कह रहा था, मेरे कान में आवाज पड़ी कि हर चीज नहीं एक मरकज पे, एक रोज इधर एक रोज उधर, और नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। बहुत समझाया लेकिन बात समझ में आई ना, चोट लग गई थी, मन में बदले की भावना आ गई थी। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा ध्रुव सगलानी, गलानी पूर्वक कि ध्रुव लाल राम का आश्रय ले बन में निर्भीक जा रहा था, बन में निर्भीक जा रहा था। ध्रुव लाल राम का आश्रय ले बन में निर्भीक जा रहा था, बन में निर्भीक जा रहा था। मन में वो राम रंग वाला, मन में वो राम रंग वाला अनुराग रंग छा रहा था, मन में वो राम रंग वाला अनुरागी रंग छा रहा था। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम। अर्धरात्रि में महात्मा श्री ध्रुव जी महाराज अपनी सती माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए, अपनी सती माता के अपमान का बदला लेने के लिए नारायण के शरण में चले जा रहे हैं रात्रि में।
सुखदेव स्वामी बोले राजन नेत्र बंद करो, थोड़ा झांकी देखो, अबोध बालक नन्हा बालक वन की तरफ चला जा रहा है। सवेरा हुआ तो सुनीति माता जोर जोर से रोने लगी, एक है बेटा, पति छूटा, महल छूटा, राज्य छूटा, एक बेटा वही सहारा, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। इतने में बीड़ा बजाते हुए बाबा नारद जी पधार गए। बिटिया रो मत रे, ध्रुव का कुछ नहीं होगा, ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो चिंता मत कर, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। नारद जी दौड़े, अरे वो बच्चे, नारद जी आवाज लगा रहे, वो बालक, बालक और भगा। उसने सोचा कि महल से पकड़ने आ रहा है। नारद जी आगे जाके खड़े हुए, मैं तेरे को आवाज दे रहा हूं, अरे बालक खड़ा हो जा। ध्रुव जी खड़े, बाबा प्रणाम करता हूं, संस्कार सिखाया था माँ ने, कोई संत कोई ब्राह्मण, ऐसी माँ होनी चाहिए। आज की माँ जानते हो क्या संस्कार सिखाती है? ये महाराज जी आए हैं, ज्यादा अगर शैतानी करोगे तो कान काट लेंगे। एक बार मजा ले सिखाने की, प्रणाम कर लो, टाटा करना भले, कहते टाटा कर ले, हाय हाय बाय बाय, बहुत नुकसान होगा। बहुत ये इतना नुकसान आप लोग अपना कर रहे हैं कि इसका असर धीरे 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 दिखेगा, धीरे धीरे। बहुत ज्यादा आप लोग जिस डाली पर बैठे हैं उसी को कालिदास के जैसे जो काटने पे तुले। बहुत लोग तो अपने काम से काम रखते हैं, चलो सात दिन में गा बजा के चलो, दक्षिणा लेके चलो, अपने समाज सुधरे चायदा सुधरे। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा, मैं तो चुप नहीं होने वाला। मैं कभी आपके गलत काम की तारीफ नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे सोने से तौल दे, चाहे मेरे लिए महल बनवा दे, चाहे मुझे सारी सुख सुविधा दे दे, मैं आपके गलत रास्ते की कभी प्रशंसा नहीं करूंगा। मैं इसका विरोध करूंगा जब तक मंच पर बैठूंगा। सुनीत ने संस्कार डाला था, कोई महात्मा मिले प्रणाम करो। यदि भागवत सुन रहे हो तो भागवत सुनने की दक्षिणा देनी चाहिए, व्यास को दक्षिणा दी जाती है। यदि आप लोग मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं या किसी संत को दक्षिणा देना चाहते हैं, ये टाटा फाटा जो ये आपने बच्चों से करवाते हो ना, इसका बहिष्कार करो, नहीं तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातन धर्मी नहीं हो, तुम भारत माता के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम फिर से नमस्कार और प्रणाम की परंपरा घर में डालो, नहीं तो मान लो तुमने भागवत नहीं सुना, तुमने ऑर्केस्ट्रा में मनोरंजन किया सात दिन। मैं यही कहूंगा, परंपरा डालो। ये जो तुम काट काट के फेंके दे रहे हो ना कीमती कीमती चीजें, इनको फिर से बटोरो। बहिष्कार करो इन सिनेमा वाले बॉलीवुड वालों का जो आपके घर के संस्कार को खत्म कर रहे हैं। दम है यदि आपके अंदर, यदि आपके अंदर कुछ ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को अब काम में लो। अब वही करो जो गर्ग गौतम अंगिरा सांडिल्य गौतम वशिष्ठ और विश्वामित्र स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो आपको बताया था, याद करो उन बातों को और बहिष्कार करो इन निम्न कोटि के लोगों का, इन पाखंडियों का। यही मैं कहना चाहूंगा इस मंच से। प्रणाम बाबा। नारद जी बोले प्रणाम तो ठीक है, कहां जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले तपस्या कोई बच्चे का खेल नहीं, कोई बाघ भेड़िया मिलेगा खा जाएगा, भाग जा। ध्रुव जी बोले बाबा मेरी माता तो कहा करती थी कि बाघ में भी भगवान होता है। नारद जी बोले तो हमारा भी गुरु निकला। हाँ ठीक है बच्चे, मैंने माना कि तुझे बाघ नहीं खाएगा, लेकिन तुझे भूख लगेगी जंगल में तो तू क्या खाएगा? ध्रुव जी बोले मेरी माता कहती थी कि वहां तो कंदमूल मिलता ही है। नारद जी बोले तो पढ़ा पढ़ाया पहले से सिद्ध बेटा। ध्रुव जी बोले महाराज एक बात बताइए, आपने मेरे से कई प्रश्न किए, एक प्रश्न आपको हो तो मैं भी आपसे कर लूं, आपको पहचाना नहीं गुरु जी, पहले कभी देखा होगा नहीं। नारद जी बोले बेटा मुझे दुनिया नारद कहती है। नारद 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 जी बोले तो चौंक क्यों गए? बोले महाराज मेरी माँ तो नारद जी की कथा मुझे जितनी कथाएं सुनाती, आधी कथा दूसरों की सुनाती, मेरी माँ आधी नारद जी की सुनाती। नारद जी बोले बेटा तो तेरी माँ क्या सुनाती है नारद जी के बारे में? ध्रुव जी बोले आप बोले तो कि आप नारद हो, लेकिन आप नारद हो नहीं सकते कि नारद का गुण आपके अंदर मुझे दिखा नहीं। नारद जी बोले मेरे भीतर नारद का गुण नहीं दिखा, क्यों बेटा? अरे बोले बाबा मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा एक बार जिसको नारद जी मिल जाते हैं ना, उसे भगवान बहुत जल्दी मिल जाता है।
और आप यदि नारद होते तो मुझे घर लौटने के लिए न कहते, आप इधर जाने के लिए कहते। भैया नारद जी का तो बीड़ा ही बंद हो गया महाराज, चुप हो गए नारद। ध्रुव जी से लिपट गए, नारद जी रो पड़े, बेटा तेरी माँ ठीक कहती थी, तेरी माँ ठीक कहती थी ध्रुव, मैं ही नारद हूं। और ये भी बात सही है कि मैं तुझे मिल गया हूं तो तुझे परमात्मा भी मिलेगा, लेकिन तेरे कोई गुरु तो नहीं। ध्रुव जी महाराज नारद जी के चरणों में लेट गए कि गुरुदाता मेरो बिगड़ो रे जनाब सुधारो, गुरुदाता बिगड़ो जनाब सुधारो, भव सागर में चल रही आंधी, भव सागर में चल रही आंधी, कितनी खतार न पारो, जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया और रास्ता भी बताया कि तत्तात दक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटे सुज पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, यमुना के तट पर चला जा, मधुवन में चला जा। वहीं ध्रुव जी महाराज गए, स्नान आदि किया, पर्ण कुटी बनवाई और वहीं आराधना किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते भागवत जी में जो लिखा है, तीन रात और तीन दिन बीत गए तो कपित्थ बदरा सना, कपित्थ जानते कैथा, जानते कैथा जंगल में खूब होते, ये तपस्वियों का फल है। कपित्थ बदरा सना, आत्मवृत्यानुसारेण मासम निन्नेर चयन हरिम, पहला महीना इस तरह बीता, फिर दूसरा महीना तृण प्रादि, तीसरा महीना जल पी करके, चौथा महीना पानी, चौथा महीना वायु पी करके, पांचवा महीना पंचमे मास प्राप्त है। मैं जल्दी में हूं थोड़ा, जित श्वासो निर्वात बजा, हाँ भैया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा कृपा करो। श्वास रोक कर खड़े हो गए और तीनों लोगों की सांस रुक गई, देवता भाग करके गए, महाराज ये क्या हो रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, सो मैं जाके उसको दर्शन दूंगा तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, आप लोगों का ये प्राण वायु जो संकट में है ठीक हो जाएगा। आजा, भगवान दर्शन देने आए और अपने शंख को ध्रुव जी के गाल पर लगाया, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी चरणों में लिपट गए और वो ग्लानी पूर्वक तप किए थे ना कि मैं बदला लूंगा अपनी माँ का, अब क्या फायदा आपके जीने से जब आप अपमान में जिए, जब आपके पूज्य जनों का कोई अपमान करे। मैं चार पंक्ति लोगों से जरूर याद करने को कहता हूँ कि लुटता हुआ वतन और देख कर खोले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों के चौसर पे हारती ही जा रही हो, स्वाभिमान शून्य ये जिंदगानी किस काम की, कि जिसमें ना त्याग देश प्रेम ही न बलिदान, और यारो जिंदगी की एक कहानी किस काम की, और कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए, तो दोस्तों तो बताओ ये जवानी किस काम की, कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए, अपनी सती माता के अपमान का बदला जब तक नहीं ले लूंगा। ध्रुव जी महाराज की प्रतिज्ञा थी, आपके गुरु का कोई अपमान करे, आपके राम का कोई अपमान करे, आपकी माता का कोई अपमान करे, अब आप 7 फीट के गोरे चौड़े लंबे चिट्टे होने से आपका क्या मतलब?
ठाकुर जी बोले ध्रुव जी तेरी मनोकामना पूरी हुई, तू राजा बनेगा। जिस सिंहासन के लिए तेरी माँ का अपमान हुआ था उस सिंहासन का तू स्वामी होगा। चल बड़े भैया बाजेगा जैसे उत्तान। भगवान जिसके साथ है उसके साथ सब कोई है। उत्तान पाद जी ने अगवानी करी, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले भेंट करी सुरुच से। बहुत बहुत आभार माँ, छोटी माँ बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए। तू ना होती तो ये ना होती। सुरुचि अपने अंगों में शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। महात्मा ध्रुव जी महाराज राजा बने, ध्रुव जी के पुत्र वत्सर हुए, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान पाद, उत्तान पाद के पुत्र महाराज ध्रुव, ध्रुव के पुत्र वत्सर हुए, वत्सर के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र वेन, वेन के पुत्र महाराजा प्रथु हुए, जिन्होंने अपने धनुष के अग्रभाग से धरती को बराबर किया था। जैसे आप ट्रैक्टर से लेबलर से बराबर करते हैं ना, उन्होंने अपने दिव्य धनुष से बराबर किया, तब से धरती का नाम प्रथु के नाम से पृथ्वी हो गया, पृथ्वी है ना। महात्मा पृथु जी महाराज भगवान के नवे अवतार थे। अंग अंग के बेन, बेन के पृथु, पृथु के पुत्र प्राच, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हविर्धान हुए। ये स्वयंभू मनु के बड़े वाले पुत्र का वंश वर्णन कर रहा हूं चतुर्थ स्कंद भागवत में। हविर्धान, हविर्धान के पुत्र महाराजा प्राचीन बरी हुए, जिन्होंने नारद जी महाराज के द्वारा दिव्य आत्मतत्व का उपदेश श्रवण कर मुक्ति को प्राप्त की थी। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित बोले, गुरु जी मैंने सुना था कि छोटा वाला जो बेटा मनु का प्रिय व्रत है वो भी आके राज्य का पालन करने लगा था। बोला हाँ। बोले हाँ सही। नारद जी महाराज के उपदेश से पर्वत कंदरा में तप करते हुए महाराजा प्रिव्रत आकर के राज्य का पालन करने लगे। प्रिव्रत महाराज के पुत्र अग्निध्र हुए, अग्निध्र के पुत्र महाराजा नाभि हुए, और महाराज नाभि के पुत्र भगवान के आठवें अवतार भगवान ऋषभदेव हुए, और जो वन की अग्नि में जिनका शरीर उनकी इच्छा से जल गया था उन्हीं ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र महाराज भरत हुए। भरत जी महाराज भी राज्य का पालन करने लगे, और चौथेपन में अपने पुत्र को राज्य दे करके, उधर आप नहीं गए होंगे, नेपाल में गंडकी नदी है, पुला आश्रम, बड़े बड़े त्यागी महात्मा मुक्ति नारायण की यात्रा करते हैं। मुक्ति नारायण हम भी नहीं गए हैं, बद्रीनाथ उधर उत्तराखंड में बस वहीं, मुक्ति नारायण जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मुक्ति नारायण का बड़ा खतरनाक रास्ता था, पहले बताते हैं जो गए हैं। बड़े बड़े त्यागी महात्मा इसलिए जाते थे कि लौटेंगे तो ठीक, नहीं लौटेंगे तो मुक्ति नारायण को समर्पित, ये त्याग करके जाते थे। एक एक डेढ़ डेढ़ फीट का रास्ता, नीचे 10,000 स्क्वायर फीट गहराई, ऐसा खतरनाक रास्ता। गंडकी नदी वही बहती है, गंडकी नदी में काले 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 कसौटी के जो पत्थर बहते रहते हैं वो गोल 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 होते होते वो शालिग्राम भगवान जो आपके घर में पूजा कर रहे हैं वो गंडकी नदी के पत्थर, गंडकी के हर हर कंकर शालिग्राम, और नर्मदा के हर कंकर शंकर। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा में जो शिवलिंग निकलता है वो नर्मदेश्वर है जो स्वयं सिद्ध प्रतिष्ठित होते हैं। तो ऐसे पुलह आश्रम पर जाकर के राजा भरत तप करने लगे, राजा थे। आजकल तो आपके घर में किसी की सरकारी नौकरी हो जाए, कोई आपका लड़का थोड़ा दिल्ली उल्ली रहने लग जाए तो आप तुरंत मॉडर्न हो जाते हैं। आप कहते धर्म वर्म क्या चीज है, कितने दुर्भाग्यशाली है वो लोग, कितने मूर्ख है वो लोग। अमेरिका और इंग्लैंड में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई हो, अपने अपने धर्म के लिए सब धर्मात्मा हैं, लेकिन आप करोड़ दो करोड़ कमा करके आप तुरंत नास्तिक हो जाते हैं, ये आपका नुकसान हो रहा है। राजा भरत चौथेपन में तपस्वी हो गए। पंचम स्कंध है भागवत का भैया, इसमें 26 अध्याय है, ध्यान दीजिएगा। पंचम स्कंध भागवत का जो है वो पढ़ने में बड़ा कठिन है। एक रात महानद्याम कृताभिषेक नई विकाश्यको ब्रह्माक्षर मभिग्रणानो मुहूर्तत्रय मुदकांतम उपविवेश तदातु राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यास मेकई उपजगाम तावदेव विदुरेण मृगपते रुन्नादो, इस तरह लिखा हुआ है दंडक छंद में।
तो पंचम स्कंध में जड़ भरत महात्मा भरत की कथा है। एक दिन की बात है भैया, जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ते बढ़ते चलते ना। एक दिन की बात है, एक मृगी जो है उसी गंडकी नदी में पानी पीने आई और भरत जी साधना में बैठे थे। ठीक, एकाएक मृगपते रुन्नादो लोक भयंकर उद्पतत। एकाएक शेर गर्जा, मृगपते माने सिंह की गर्जना। मृगी वैसे भी चंचल प्रवृत्ति की और डरावने स्वभाव की, वो पानी में कूद गई। अब वो गंडकी नदी इतनी खतरनाक है, हरिद्वार आप जाते होंगे देखते होंगे गंगा जी का पानी इतना ठंडा, वहां तो कुछ भी नहीं है और वहां धारा तो बड़ी धीरे धीरे बहती। यदि आप अलकनंदा को बद्री नारायण में देखेंगे, आप सीधे देवप्रयाग करण प्रयाग में ही पहुंचेंगे जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। आगे आगे कई प्रयाग मिलते हैं, देवप्रयाग, करण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तमाम प्रयाग आगे उत्तराखंड में आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में मिलेंगे। इतना तेज पानी बहता है कि शायद यदि मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाए तो टुकड़े टुकड़े हो। उसी पानी में मृगी कूद पड़ी। वो हिरणी, उसके पेट में जो बच्चा था वो उसका जन्म हो गया। मृगी तो भाग गई, भाग भाग नहीं गई, थोड़ी दूर भागी वो भी मर गई। निपपाताथ च ममार, ऐसा लिखा है, मृगी मर गई। भरत जी महाराज ने माला छोड़ दिया, तुरंत दौड़े। ठीक किया ना, किसी का प्राण बच रहा हो तो माला छोड़ देनी चाहिए। अभी तो ठीक किया, और गलत क्या हुआ ये भी आगे बता। दौड़े बेचारे दयालु थे। अरे वे करुणाशील न देख सके, उम्र का बच्चा बहता चला जा रहा था, भरत जी देख न पाए। उसकी चितवन उसकी तड़पन, वे करुणाशील न देख सके उसकी तड़पन उसकी चितवन। कोई ऐसे थोड़े थे कि एक किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाए। वो बड़े बड़े बलवान बच्चे को पकड़ लिया, नहीं तो उस नदी में कूदना महाराज बड़ा आसान नहीं था। बच्चे को पकड़ लिया, ले आए उसको अपने कंबल में लपेटा, जल्दी जल्दी दूध वूध जो पीते थे थोड़ा बहुत तपस्वी थे तो अपना न पी के उसको पिला दिया। अब बच्चा खड़ा हुआ, ये भूल गए बेचारे कि घर वाला बच्चा छोड़े आए तो मृग का बच्चा कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन अरे माया, उस माया ने पकड़ के पटका महाराज, भरत जी महाराज जैसे त्यागी और तपस्वी मृग के बच्चे में फंस गए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मरते समय जिसकी याद ज्यादा आए उसका शरीर मिल सकता है। बहुत लोग तो कुत्ते को गोद में लिए लिए मर जाते हैं, भगवान ने करे ना ऐसा। नहीं ज्यादा याद आवे तो अब एक उदाहरण आपके सामने है, ये कम से कम मृग के बच्चे में आ सकते हैं। कह दो महाराज जुग बदल गया है तो हम कुत्ते में आ सकते हैं तो क्या बुरा है। अरे भैया गाय में आ सकते हो, मुक्ति का मार्ग दिखाएगी गौ माता। वो बेचारे उसको नाखून से मुलायम 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 घास खोट के लाते, लिखा ले लिखा ले लिखा ले, गांव से दूध मांग के लाते। पहले गांव नहीं जाते थे, अब गांव भी जाना, मतलब धीरे धीरे माया ठगनी ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी एक एक इंच की सींग भी निकली आई मृग के बच्चे को। अब वो उनकी पीठ में ऐसे ऐसे रगड़ता तो भरत जी बोले घर छोड़ा, लेकिन घर छोड़ने का कोई दुख नहीं। एक दिन छलांग लगाता हुआ भागा 2-3 बीघा, फिर वापस आ गया। भरत जी बोले जाएगा थोड़े, इतनी सेवा इसकी कोई करी नहीं सकता। उसकी सींग थोड़ी जब और बड़ी हुई तो और जोर का छलांग लगाया, आपकी छलांग लगाया थोड़ा 1-2 किलोमीटर तक जंगल की तरफ, बड़े जोर से भागा, भागते 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 वो भाग ही गया, लौटे नहीं। रात हो गई, भरत जी रोने लगे, मृग के बच्चे के वियोग में सारा भजन पूजन गायब हो गया। रोने लगे, रोते रोते रात भर रोते रहे, रोते 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 सवेरे तक मर गए, शरीर छूट गया, भरत जी का प्राणांत हो गया। अजीब मामला है यार, दूसरा जन्म उनको मिला मृग का, लेकिन अन्य मृगों के जैसे वे झुंड में नहीं रहते थे,
छलांग नहीं लगाते, एक वृक्ष के नीचे तपस्वी की भांति आंख बंद किए खड़े रहते, उनके आंखों से आंसू गिरते रहते थे और बार बार प्रभु से कहते, सरकार ये क्या हो गया? हाँ, अब कृपा कर दो, एक बार मुझे इस मृग शरीर से छुट्टी दे दो, अब कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, ये मैं क्या करने आया था और किधर चला गया। इस जगह पर मुझे एक निर्गुण याद आता, बैठल अरे रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाल पड़ी गया, पेड़ के नीचे अपने पूर्व जन्म को याद करके रोने लगे, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग में दाग लग गई, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बैठल रोवे ती गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, पहले रोवे नी गुजरिया हो, अरे अरे दिया में दाग लग गए, आयल भगवान के हमरो सने सवा, आयल भगवान के हमरो सने सवा, जाई के बहमारा के पियबा के दे सवा, हमरा के पियबा के देसवा, टोली आयल हमरी दुवरिया, चुनरिया में दाग गए, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में उसी वृक्ष के नीचे खड़े खड़े रोते रोते महात्मा भरत मृग के शरीर को धारण किए लड़खड़ाते हुए उसी गंडकी नदी के किनारे फिर आ गए और वही उनका शरीर मृग शरीर उसी नदी में गिर पड़ा। तीसरा जन्म भैया उनका अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर में हुआ। बड़े गोल मटोल लंबे चौड़े कोरे, पिताजी ने देखा लड़का बहुत अच्छा है और जजमानी भी मेरी 25-30 गांव में है और मेरा ऐसा कोई लड़का है नहीं जो जजमानी संभाल सके। बाप और क्या सोचेगा, माँ है माँ और क्या सोचेगी, और क्या सोचेगी, मुझे बड़ा बुरा लगता है कुछ तो 5-7 साल के लड़के ये माँ और कोई चर्चा करती नहीं, जल्दी आशीर्वाद दे महाराज इनकी शादी वादी हो जाए, तभी तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा पहले इनको छोड़ो अगर कोई काम आपको बनाना है। गोस्वामी जी ने इसीलिए तो इनको माया का कूटा कहा है महाराज, जननी जनक सबको उसमें लपेटा उन्होंने। ये एक्का चीज, बाप सोचेगा कि पेट्रोल पंप संभालेगा मेरा और कुछ सोचते ही नहीं है, अब माँ सोचेगी कि स्कॉर्पियो, अब तो स्कॉर्पियो का जमाना, अब तो फॉर्चुनर की कामना करती भले चाहे जो मिले कि ना मिले, जल्दी शादी हो जाए। अब बहुरी आ जाती है तो इतनी झगड़ा इतनी लड़ाई महाराज कि हमने तो आज क्या। पिताजी ने सोचा जजमानी बड़ी लंबी चौड़ी है और ये बालक जो है ना सब संभाल लेगा। वाह बेटा गायत्री मंत्र बोलो। भरत जी 5 साल के हो गए ब्राह्मण के घर में जन्म, बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भरत जी शुद्ध शुद्ध बोले, अरे पंडित जी ने कहा सोचा कि मैं तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो कई जन्मों का ज्ञान था, अब तो पक्का स्वस्ति वाचन कल तक याद कर लेगा और संकल्प तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, सत्यनारायण कथा तो बिना पोथी देखे पाचेगा। भरत जी ने सोचा बड़ा बेईमान बाप है,
इसको पहले छोड़ना है। हाँ ये लपेटने वाला मेरा, ये जिस माया से भी जल्दी इतना ठोकर खा के है, ये बाप है कि दुश्मन है, ये उसी माया में फिर लपेटना, इसलिए बोलना ही नहीं, मुझे बोलना ही नहीं। पिताजी बोले बेटा अब गायत्री मंत्र तो याद हो गया होगा, सुनाओ थोड़ा सा। भरत जी बोले मेरे कोई याद वाद नहीं। अच्छा तो फिर से बोलो। कम से कम 100 बार गायत्री मंत्र रटाया, 100 बार भरत जी का जवाब था मुझे याद वाद नहीं। उन्होंने सोचा कि यदि सुना दिया तो फिर कल को ये कहेंगे सत्यनारायण कथा याद करो, अब मैं जो करने के लिए आया हूँ वो सब मेरा अधूरा रह जाएगा। भरत जी के पिताजी ने खोपड़ी पीट डाली। हाय रे, हम तो बड़े उत्साह में थे कि मेरे घर में कोई विद्वान पैदा हुआ, ये तो मेरे घर में जड़ पैदा हो गया। उसी दिन से पूरे गांव वाले भरत जी को जड़ भरत कहने लगे। पिताजी जब तक जीवित थे तब तक तो भरत जी को रोटी मिली। परम विरक्त थे, महान ज्ञानी थे, उनको कोई मान सम्मान का कोई वो नहीं थी। आहा, भैया भाभी का जमाना आया। भाभी बोली मोटा खाता इतनी ऊंची रोटी, इसको खेत पे इसका काम लगाओ, जाके गाय वाय देखे। ओ भरत जी की ड्यूटी खेत पे लगा दिया। 10-20 गाय माता आई। भरत जी ने कहा गाय माता आपको खाने के लिए मना करे, उससे बड़ा पापी कौन हो, खेत आपका सब आप भर पेट खाओ। गाय माता ने पूरा खेत ऐसा साफ कर दिया जैसे कि खुरपा से छील दे। भैया भाभी ने दिया धक्का, बोले मोटे जहां से रोटी खाता उसी को खिला दिया। भैया भाभी रूखी सूखी रोटी दे देते थे तो भरत जी को कोई प्रसन्नता नहीं थी, और पीठ पे हाथ लगा के धक्का देके भगा दिया तो कोई दुख नहीं हुआ, ना दुख है ना सुख है। महान परमहंस है श्री भरत जी। अरे भैया हरि गुण गाई के ओ तुलसी मगन भये, हरि गुण गाई के चलती है तुलसी मगन मगन भये। केहू चल हाथी रे घोड़ा, केहू चल हाथी रे घोड़ा, केहू चल हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, केहू चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, साधु चलत पैया पैया, साधु चलत पैया पैया, साधु चल पैया पैया, साधु चल पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चीटी बताई के रे, चीटी बताई के, तुलसी मगन भये, हरि गुण गाई के, तुलसी क्या बात है कि हरि गुण गाई के, मस्त फकीर स्वयं सिद्ध महात्मा भरत बन की तरफ चले जा रहे हैं। आगे कुछ 10-15 डकैतों का झुंड मिल गया। वो किसी मनुष्य को खोज रहे थे काली जी के सामने बलि देने के लिए। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा पाखंडवाद है बलि। आज तक कभी किसी के सामने देवी प्रकट नहीं हुई बलि करने वाले की, केवल वो पाखंडवाद और जीव हत्या को बढ़ावा दे रहा है, चाहे हिंदू में बलि, चाहे कहीं कुर्बानी, चाहे किसी जीव की हत्या। वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, प्रकृति छिन्न भिन्न हो रही है, लेकिन तुम कहां मानने वाले हैं? ये मूर्खता की पराकाष्ठा। और डकैत कब के पंडित, उन्होंने कहा रे रे इससे मोटा तगड़ा और कौन मिलेगा, काली माता प्रसन्न हो जाएगी, भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी बोले भैया मुझे कहां ले जा रहे हो? डकैत बोले मेरे साथ चलो।
भरत जी बोले तो चलो। डाकू बोले कहां जा रहे हो? भरत जी बोले जा तो रहा हूं लेकिन ये नहीं पता है कि मैं कहां जाऊंगा। तो पहले इनको खूब नहलाया रगड़ रगड़ के। भरत जी बोले बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया वो भैया भाभी पका दिया, ऐसा तो हमको घर में कभी नहीं नहलाया गया। ये नहीं जान रहे हैं कि तलवार की धार भी उधर तेज हो रही है। बढ़िया लड्डू बर्फी और खूब मिठाई भर के पत्तल खिलाया। भरत जी भूखे बहुत थे, बोले बहुत अच्छे लोग हैं, भगवान इनका भला करे। इतनी अच्छी मिठाई मुझे खिलाई, तब तक तलवार लेके एक डाकू खड़ा हुआ। भरत जी को पता चल गया कि मुझे काटने जा रहे हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि परमहंस है। आत्मज्ञानी कभी शरीर के लिए नहीं डरता। डाकू नहीं जानते थे कि मेरे सामने कौन खड़ा है, लेकिन काली माता जान गई कि ये कौन है। भागवत जी में लिखा ब्रह्म तेज साति ध्रुव सहेड उदंत हिमानेन वपुषा सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली। धड़धड़ धड़धड़ की आवाज हुई, मूर्ति फटी। काली माता प्रकट होकर तलवार लेकर डाकुओं के सर को काट काट कर खेल खेल कर नाचने लगी और भरत जी से क्षमा याचना किया। भरत जी महाराज आगे बढ़े, सिंध सोवीर प्रांत के राजा रहुगढ़ को आत्मा आदि का उपदेश दिया। रहु निर्बपणा इसी भागवत के पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है। रौरो महारौरो कुंभी पाक अशिप्रमन लाला भक्ष अपट निरोधन सार में यादर बैतरणी दंत सूख सूकर मुख कृमि भोजन। ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और जीव नरक न जाए इसीलिए अजामिल की कथा सुनाई है। छठे स्कंद में 19 अध्याय है, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें भक्त प्रहलाद का चरित्र है। कल की वेला में मन्वंतर वर्णन, वामनावतार, रामावतार और कृष्णावतार। कल भाई राम जन्म कृष्ण जन्म के लिए खूब तैयारी के साथ आइए, खूब दान दक्षिणा लेकर आइए, खूब गहना कपड़ा लेकर आइए, खूब फल फूल मेवा लेकर के आइए, अच्छे अच्छे कपड़े खुद पहन के आइए, सब लोग बाल वाल काला कर लेना, ठीक है ना। बोलो जैसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दादा आज की वाणी को विराम। महाराज श्री से निवेदन, श्री महंत सुंदरदास जी महाराज वेदांताचार्य आपके बहुत दिव्य स्थली श्री सुंदरदास जी का स्थान, वहां से पधारे। एक माइक पे खुला है, खुला माइक लो। यही दे दो, ये भी समझ दे दो। हाँ वही रहने दो, जब तक तुम माइक लाओगे तब तक कल हो जाएगा। मम वाच मिमां योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आदरणीय व्यास जी एवं श्रोतावृंद, इस गांव का, इस धरती का परम सौभाग्य है और जहां तक मुझे स्मरण है कि अब तक आज तक कभी भी यहाँ पर भागवत का पारायण इस देवगांव में नहीं हुआ।
आज ही इस गांव का नाम शंभू जी के प्रयास से सार्थक हुआ है। क्योंकि नाम देव का और जो देव का अर्थ है तो बहुत व्यापक है, क्योंकि दिव्य दीति देव भी होता है, व्याकरण में इसके तो बहुत अर्थ है, दिवु क्रीड़ा बिजी सास्तुति मोद मत स्वप्न कांति गति जो कई अर्थों में इस देव शब्द का प्रयोग होता है। तो इनके प्रयास से आज इस गांव का नाम सार्थक हुआ है और हमारे भरत व्यास जो बहुश्रुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अनेक देश देशांतर में अपनी कथा से लोक कल्याण में रत हैं, राष्ट्र कल्याण में रत हैं, ऐसे महापुरुषों को और भागवत के परम व्याख्याता को मैं धन्यवाद देता हूँ और इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतने दिनों तक पूर्ण मनोयोग से आप सब आ करके सुनते कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा से कुछ न कुछ अपने जीवन में आप यदि ग्रहण कर लें तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये कथा समस्त शास्त्रों का रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। एक भी जीवन में चाहे आप दया का सत्य का दान का क्रोध त्याग का ईर्ष्या का जो भी आपके अंदर ये समस्त भावों से आप ग्रस्त हो, इनमें से किसी भी चीज का त्याग पूर्वक अगर साधना कर लें तो आपका इस भागवत कथा सुनने का इसमें आने का आपका जीवन सार्थक। और मैं इसके संयोजक इसके सहयोग और जितनी भव्यता शंभू सिंह ने इस कार्यक्रम को दी है, इतनी भव्यता तो इससे पहले कभी मैंने यहाँ इस क्षेत्र में दर्शन नहीं की, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को और इनके सपरिवार के लिए और सुख शांति के लिए इनके परिजनों के लिए और हमारे जो कथा व्यास हैं इनकी पूर्ण स्वस्थता के लिए मैं अंदर से कामना इसलिए करता हूँ कि जब तक ये स्वस्थ रहेंगे तब तक ये धर्म प्रचार में रत रहेंगे और लोक कल्याण करते रहेंगे, इसलिए इन्हें प्रभु चिरायु दीर्घायु और पूर्ण स्वस्थ प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग् भवेत्। मैं वाणी को समाप्त करता का करें थोड़ा और बोले क्या बोले मेरे को इतने ही रह नहीं तो क्या करोगे, कथा तो मेरा कथा उठा तो मैं करता नहीं।
आरती के लिए आप सब लोग माननीय हमारे महतलाल दास जी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री ब्रजेश सिंह जी, खाकी सरन जी, हमारे पाठक जी, पूरे पंडित सैदपुर, सोनू मिश्रा जी, आचार्य मनोज मिश्र पुजारी माँ कामाक्षा देवी, श्रीनिवास पाठक जी सैदपुर, पूरे पंडित, आप सभी लोग आरती के लिए मंच पे आ जाएं। हाँ हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये भगवन री आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये भगवन तेरी आरती। Baby, baby.
नायकम जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवादि मंत्रम मारार्तिक ग्रहणम प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद।